बड़ा उपाय क्या है? पहला पॉइंट ये डाल के लिख लीजिए कि रे ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन होता क्या है, बवाल क्या है रिफ्रैक्शन, पहले ये लिखिए। रिफ्रैक्शन की अगर बात करेंगे, रिफ्रैक्शन होता क्या है लिखना स्टार्ट कीजिए भैया। बड़ा रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का मुड़ना, लाइट का मुड़ना यानी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी और अगर लाइट मुड़ जाती है, बैंड हो जाती है, तो उसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। यानी द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, लिखो भाई, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट इज पासेस थ्रू वन मीडियम फ्रॉम अनदर मीडियम, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंड मेरा हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है, लाइट का हो रहा है, तो बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट इज पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बड़ा जब रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो तो पहली टर्म आपको आनी चाहिए कि रिफ्रैक्शन बवाल क्या है। रिफ्रैक्शन बवाल है ये जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट मुड़ जाती है, लाइट मुड़ जाती है, तो लाइट का मुड़ना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। यानी बेंडिंग ऑफ लाइट रे, बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले या रिफ्रैक्शन को बताने से पहले आपको जानना पड़ेगा रेयर मीडियम क्या होता है और डेंसर मीडियम क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, ये डायग्राम बाद में समझेंगे, बड़े टोटल आपके पॉइंट है, बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है आज, तो इंट्रोडक्शन क्लास में आपको कम से कम कुछ तो 8 से 9 पॉइंट देखने हैं आज, ठीक है। यानी रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने से पहले 8 से 9 पॉइंट आपको आने चाहिए। अरे हाँ ना बोलो यार। बड़ा पहला पॉइंट है रिफ्रैक्शन। क्या है? रिफ्रैक्शन, लाइट का मुड़ना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, बेसिक बात है ना भैया। बड़े से आगे बात करें, एक होता है रेयर मीडियम, क्या होता है, और एक होता है डेंसर मीडियम। क्या होता है? डेंसर मीडियम। बड़ा पार्टिकल जितने दूर दूर होंगे वो रेयर मीडियम, पार्टिकल जितने पास पास हो क्या होंगे? डेंसर मीडियम। अगर पार्टिकल ज्यादा पास पास है तो कौन सा मीडियम होगा बताओ मेरे को? डेंसर मीडियम। अगर पार्टिकल क्या है? दूर दूर है। बड़ा लुगाई को लेके भग जाएगा ऊपर वाला इंसान, तेरे पे तो है ना, तेरी लेके भग गया मैं तो। अरे फिर बेटा, अगर पार्टिकल पास पास है, गए फेविकोल के जोड़ की तरह चिपके हुए हैं एक दूसरे से, तो डेंसर मीडियम। अभी भी तेरी बात कहाँ से आ रही मेरे को, मैं तो ये सोचने लगा तेरी लुगाई मेरे पास फिर ले गया मैं तो, आज रात को सोया भी नहीं हुआ ढंग से। हाँ डेंसर मीडियम क्या है? अयान बेटा, अरे बेटा मैं जाग नहीं। बेटा पार्टिकल जितने जितने ज्यादा पास होंगे कौन से मीडियम में? पार्टिकल जितने दूर होंगे क्या है? तो यानी पार्टिकल पास पास मतलब सॉलिड होंगे, डेंसिटी ज्यादा होगी तो डेंसर मीडियम बोल दिया, पार्टिकल दूर दूर है तो रेयर मीडियम बोल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा जी मान लिया जी, अच्छी बात है। बेटा एक मान लो गाढ़ा पानी, क्या मान लो? गाढ़ा पानी जानते हो? गाढ़ा पानी गापा गापा ये देखो सामने सारे बड़ा गापा, अरे क्या गोलगप्पे गप्पा जब तो खाते हो तो बड़ा ओए मैं जानी। बड़ा गाढ़ा पानी पतला पानी, क्या बोला है? छोड़ो बेटा तुम नहीं बढ़ोगे ऐसे, बेटा मजाक नहीं। बड़ा उपाय है आज की क्लास है इंट्रोडक्शन। क्या है? बड़ा इंट्रोडक्शन मेरा है, तुम्हारा है, दूध वाले का है या रे ऑप्टिक्स का है? बड़ा पहला पॉइंट होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है? अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो रिफ्रैक्शन बवाल क्या है? लाइट का मुड़ना, लाइट का मुड़ना। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो लाइट मुड़ जाए, लाइट अगर बेंडिंग ऑफ लाइट होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, ये मीडियम के बवाल है। बड़ा पानी भी एक मीडियम है, आपका ग्लास भी क्या है? एक मीडियम है, फेविकोल भी एक मीडियम है, तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो मुड़ जाती है, डेविएशन आते हैं, वो अलग बात है, डेविएशन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा वो देखेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्शन होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या होता है? ठीक है ये बता दिया। यानी द बेंडिंग ऑफ लाइट रे व्हेन इट्स क्या? व्हेन इट्स मूव या ट्रेवल फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जा बेटा, आया नहीं आया भाई? ओए छोटी बच्ची, रिफ्रैक्शन क्या है? बड़ा आया नहीं आया? बड़ा इसके बाद पढ़ना होता है रेयर मीडियम, क्या पढ़ना होता है? एक क्या होता है? बड़ा रेयर मीडियम ये पार्टिकल दूर दूर, पार्टिकल
और डेंसर मीडियम है पार्टिकल, यानी पार्टिकल जितने ज्यादा पास पास होंगे वो मीडियम उतना ज्यादा डेंसर कहलाएगा, पार्टिकल जितने ज्यादा दूर दूर होंगे वो मीडियम उतना ज्यादा रेयर कहलाएगा। कोई पूछे, एक एग्जांपल दे दिया पानी, क्या दे दिया और एक दे दिया एयर, बताओ कौन सा रेयर मीडियम है? ये रेयर है और ये डेंसर है, इन दोनों में से आए ना भाई, यानी इसमें पार्टिकल ज्यादा पास है, इसमें पार्टिकल दूर है एज कम्पेयर टू दिस। अरे मान लो ग्लास दे दिया और आपको क्या दे दिया? एयर। बताओ भैया दोनों कौन सा रेयर है? ये रेयर और ये डेंसर, क्योंकि डेंसर मींस पार्टिकल जितने ज्यादा पास होंगे मीडियम उतना ज्यादा डेंसर। अरे हाँ ना भैया, बेसिक बात है। मान लीजिए पानी दिया है, क्या दिया है? पानी। तो ये गाढ़ा पानी, पतला पानी, गापा। अरे हाँ ना बोल यार, बेटा गाढ़ा पानी, गाढ़ा पानी मींस पार्टिकल पास पास है, दूर दूर पास पास। बेटा पतला पानी, पतला पानी मतलब पार्टिकल दूर दूर, ऐसी बात कर रहे हैं अभी, तो पतला पानी मतलब पार्टिकल क्या होंगे? दूर दूर। बता बेटा अगर लाइट इस वाले मीडियम में ट्रेवल करे और लाइट इस वाले मीडियम में ट्रेवल करे, ज्यादा तेज किसमें होगी? इसमें या इसमें? पतले वाले में, क्योंकि इन दोनों में से डेंसर मीडियम ये और रेयर मीडियम। कोई दिक्कत किसी को? यानी वेलोसिटी इन द पतला पानी इज मोर देन द वेलोसिटी इन द गाढ़ा पानी। अरे आए ना भैया, लाइट इन द वेलोसिटी ऑफ द पतला पानी, जो लाइट वेलोसिटी की होगी पतले पानी में वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द गाढ़ा पानी। अरे हाँ ना बोलो यार, गाढ़े पानी में क्या होंगे? पार्टिकल पास पास होंगे, पार्टिकल पास पास होंगे तो लाइट को आगे बढ़ने से रोकेंगे। अरे हाँ ना बोल यार, आया नहीं आया? तो वेलोसिटी पतले पानी में ज्यादा होती है गाढ़े पानी में? ये मेरी वेलोसिटी आपकी है, लाइट की है? लाइट की वेलोसिटी जो होगी पतले पानी में यानी रेयर मीडियम में ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द डेंसर मीडियम। इतना आया नहीं आया बड़ा? ये रेयर मीडियम की बात करें, रेयर मीडियम होते क्या? द मीडियम इन विच द लाइट ट्रेवल फास्टर। क्या बोला? द मीडियम इन विच द लाइट ट्रेवल फास्टर। बेटा उसमें क्या होगा? द मीडियम इन विच द लाइट ट्रेवल फास्टर होगी, स्लोअर होगी? अरे हाँ ना बोले यार, पक्का आ गया है क्या? तो पहले लिखो कि रिफ्रेक्शन हो गया, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रेक्शन। जब आपकी लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, अगर बात करें किस मीडियम की, तो रेयर मीडियम पार्टिकल दूर दूर, डेंसर मीडियम पार्टिकल पास पास। तेज किस में मूव करेगी लाइट? रेयर मीडियम में, डेंसर में कम करेगी। अरे हाँ ना भैया बोलो, यानी वेलोसिटी इन द पतला पानी मोर देन द वेलोसिटी ऑफ द गाढ़ा पानी, ऐसे बोल सकते हो लाइट की? इतना आया नहीं आया बड़ा? इसके आगे की बात करें, मीडियम जो है रेयर मीडियम, उसमें लाइट की जो स्पीड होगी ज्यादा तेज होगी एज कंपेयर टू दिस मीडियम। नहीं आया, ये हो गया फर्स्ट टॉपिक। क्या हो गया? लपेटिए से हलवा, इंट्रोडक्शन है, लपेटो से रिफ्रेक्शन। अबे मैंने साथ में खींच लेता फोटो। अरे आए ना भाई, तो बेसिक बात है ये, आई नहीं आई? चल बेटा रिफ्रेक्शन हो चुका है, नेक्स्ट डालो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। क्या डाल दो भाई? नेक्स्ट टॉपिक डालो, टॉपिक नंबर सेकंड, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स सेकंड। ये रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बवाल क्या है, 10th क्लास में पढ़ के आ रखे हो बेटा। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अरे आए ना भैया, बेटा हमें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ये बताता है कौन सा मीडियम कितना डेंसर है, कितने ज्यादा रेयर है, यानी जितने ज्यादा मीडियम जो है, जितना ज्यादा मीडियम जो है अगर डेंसर होगा, क्या होगा? डेंसर, तो उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा। अरे हाँ ना भैया, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें क्या बता रहे हैं कि मीडियम ज्यादा डेंसर है या फिर रेयर है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे ग्लास है, क्या है? ग्लास। और यहाँ पे एयर है। कोई पूछे किसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका या इसका? ग्लास का। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास जो होता है वो 1.5 होता है, कितना होता है? एंड द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो एयर होता है कितना होता है? 1। एंड यहाँ पे ये भी लिख लो, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाटर का कितना होता है? 1.33। अरे है ना भैया, और देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डायमंड का कितना होता है? 2.42। अरे है ना भैया, बड़ा फील लीजिए जरा, बताओ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है या डायमंड का? डायमंड का। जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा वो उतना ज्यादा सॉलिड, उतना ज्यादा सॉलिड होगा। अरे है ना भैया, उसमें पार्टिकल उतने ज्यादा पास पास होंगे, और जितना कम होगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उतने पार्टिकल दूर दूर होंगे। अगर इसमें और इसमें कंपैरिजन करें तो ये ज्यादा सॉलिड है और ये कम है, हाँ है ना भैया? तो यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द ग्लास। यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो म्यू है में क्या बता रहे हैं कि कौन सा मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है, कितना ज्यादा रेयर है। पार्टिकल जितने पास पास वो उतना ज्यादा उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यानी उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा। अरे हाँ ना बोल, पक्का आ गया, झूठ तो नहीं बोल रहा? चल बेटा बांध लिया। यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें बता रहे कौन सा मीडियम कितना डेंसर है, कितना ज्यादा रेयर है। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी जो है इज टू बी फाइंड आउट बाय द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज टू बी फाइंड आउट बाय द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें किसके बारे में बता रहे हैं?
ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी मेरी है तुम्हारी है मीडियम की है, मीडियम की यानी कौन सा मीडियम कितना था सघन है या कितना था विरल है, कितना डेंस है कितना था रेयर है। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर कितना होता है बताओ मेरे को, 1। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज 1.33, ग्लास का 1.5, डायमंड का 2.42। जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा हम बोल सकते हैं उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, पहली बात ही है। अरे हाँ ना बोले यार, कोई पूछा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब क्या है, उसके पार्टिकल उतने ही ज्यादा पास है, डेंस है, क्या है डेंस, समझ पा रहे हो इस चीज को, बेसिक बात है 10th क्लास की। हाँ तो बोल दो यार, तो ये चार पॉइंट आते हैं क्या। अच्छा फॉर्मुला देखो भैया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का, म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी, क्या होता है व्हाट इज सी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अच्छा ये मीडियम क्या है, ये एयर को छोड़ के वैक्यूम को छोड़ के जो भी बचता है पानी ग्लास ये सब आपके मीडियम में आएंगे। अच्छा फील लीजिए, आपके यहां पे बता रखा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम सेम होती है 3 × 10⁸, पर रियलिटी में होती है क्या, नहीं रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, रियलिटी में ऐसा होता नहीं। रियल में स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में देखी जाए तो 1.0003 टाइम्स कम होती है एज कंपेयर टू द वैक्यूम, एज कंपेयर टू द, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो एयर में होती है वो 1.0003 टाइम्स कम होती है एज कंपेयर टू द वैक्यूम, यानी वैक्यूम में ज्यादा होती है, पर ये राउंड फिगर करके मानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली क्या है सेम है, ऐसा मानते हैं। तो इसलिए हमें पढ़ते हैं कि भैया ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो ही एयर में वही क्या है वैक्यूम है, पर रियलिटी ऐसी है नहीं, क्योंकि वैक्यूम में तो एक भी पार्टिकल नहीं है भैया, जबकि इसमें तो पार्टिकल है, कुछ तो कम होगी, कितनी कम, 1.0003 टाइम्स। अरे हाँ ना बोले यार, बेसिक बातें, पहले लिखो व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या है, क्या बताता है आपको कौन सा मीडियम कितना ज्यादा डेंसर है कितना ज्यादा रेयर है, ये बताता है, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज टू बी फाइंड आउट बाय द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। फिर लिखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स अलग अलग मीडियम के, एयर का 1 होता है, वाटर का इतना होता है, ग्लास का इतना होता है, डायमंड का इतना होता है, और जितना ये ज्यादा उतना ज्यादा डेंसर, ये भी लिख लो। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो कि फॉर्मूला होता क्या है, बेसिक स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम टू द मीडियम, टू द मीडियम, और लाइट में जो होगी यानी एयर में जो लाइट की स्पीड होगी वो 1.0003 टाइम्स कम होती है एज कंपेयर टू द वैक्यूम। लपेटो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को जल्दी से, बड़े यहां लिख लेना कि लाइट इन एयर, लाइट इन लाइट इन एयर 1.0003 टाइम्स स्लोअर देन द क्या, लाइट इन वैक्यूम, लाइट इन वैक्यूम, ठीक है भैया। तो लाइट इन एयर में रियलिटी में कम होती है, ठीक है, थोड़ी लपेटे से बड़ा फील लीजिए। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कौन सा मीडियम कितना ज्यादा रेयर है, कितना ज्यादा डेंसर है, ये तो आ गया। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिफरेंट काइंड ऑफ मीडियम के लिख दिए, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिख दिया, एयर में जो लाइट की स्पीड होती है रियलिटी में वैक्यूम से कम होती है कितने टाइम्स, 1.0003, पर हमारे 12th और 11th क्लास में मानी गई है लगभग क्या है सेम है, पहली बात तो ये। अरे हाँ ना बोलो, अच्छा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है, पर 1 से छोटी कभी भी होती नहीं, क्यों नहीं होती, क्वेश्चन है, करते हैं भैया एक केस बनाओ, करो भैया बड़े, सेकंड टॉपिक है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, क्या है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, बड़ा फील लीजिए। पहला यहां पे केस होगा केस नंबर ए, बड़ा फिर क्या होगा केस नंबर बी, फिर क्या होगा केस नंबर सी, ऊपर देखिए 1, 2, 3 भी लिख सकते हो, ठीक है फील लीजिए। बड़ा पहले पॉइंट में ये लिख रहे हैं कि अगर वी जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, और ये क्या है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और अगर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो है वो ज्यादा हो जाए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, देखते हैं तीन केस में। बड़ा वी नो बताओ म्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई वी, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, 10th क्लास में पढ़ाता हूं, म्यू इक्वल टू सी बाई वी, इतना तो आते ही होगा, है ना भैया, बताओ अगर v की वैल्यू c से छोटी है तो इट मींस μ जो है 1 से बड़ा ही होगा, अरे आए ना भैया, बड़ा c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ m/s, उससे छोटी कुछ भी ले लो काटो के पीटो के 1 से बड़ा ही आएगा, अरे आए ना भैया, लाजमी सी बात है। बड़ा अगर दोनों इक्वल हो, दोनों इक्वल हो जो कि एयर में हमने पढ़ा इक्वली होती है लगभग, है ना, तो कितना आएगा 1, ये इसके इक्वल कट जाएंगे दोनों, अरे आया नहीं आया, पर यहां पे आके गलती दिख जाती है, क्योंकि v जो है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम और ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है जो कि पॉसिबल है कभी नहीं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती वैक्यूम से, वैक्यूम में हमेशा ज्यादा होगी, अरे वैक्यूम में पार्टिकल भी नहीं होते, मीडियम में पार्टिकल तो होते हैं, तो यानी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जो है कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से, तो इट मींस ये जब हो नहीं सकती अगर इसके हिसाब से देखें
तो इसके हिसाब से आंसर क्या आने वाला है कि म्यू इज मोर देन या लेस देन, लेस देन वन, लेस देन वन, ये आने वाला है जो कि पॉसिबल नहीं है। जो कि पॉसिबल क्यों पॉसिबल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है क्या? नहीं। जब ये नहीं हो सकता तो ये क्यों होगा? तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। और यहाँ अभी तो अच्छा बात देखें, यहाँ पे हमारी ट्वेल्थ क्लास में और टेंथ क्लास में क्या मानी है, स्पीड ऑफ लाइट जो है इन एयर में इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के इक्वल, यानी सी इज इक्वल टू वी माना गया है। अरे हाँ ना भाई, अरे हाँ ना भैया, एयर की बात हो रही है, किसकी हो रही है? एयर। तो अगर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जानते हैं तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी होता है। अगर फॉर एयर के लिए बात करें तो कितना आएगा बताओ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स? भैया ये दोनों इक्वल, तो सी बाई सी कट के हो गया वन, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर कितना होता है? वन, ये माना गया। अरे हाँ ना बोलो यार, बेसिक बातें। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, तो उसकी वजह से ये भी पॉसिबल नहीं है। लपेटो, घसीटो, उठाओ। बड़ा आगे देखिए, बड़ा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है कभी भी वन से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से। बेसिक बातें आगे देखते हैं बेटा, सेकंड टॉपिक चल रहा है अभी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वाला। बड़ा आगे देखिए, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस किस पे करता है? एक तो टेम्परेचर पे करता है, किस पे करता है? आओ देखते हैं बेटा, थोड़ा डीप फील लेते हैं। रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होता है, फील लो, उसी सेकंड टॉपिक के अंदर ही है पॉइंट कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और टेम्परेचर आपस में इन्वर्सली होते, क्या होते हैं? यानी अगर टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। बेसिक बात है, क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स आपको क्या बता रहा है, कितना पार्टिकल ज्यादा पास पास है, क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा हो उतने पार्टिकल पास पास, ही तो बढ़ाया था डायमंड में, है ना भैया। तो फील लो, अगर मान लो कोई मटेरियल आपको दे दिया और उस मटेरियल में नीचे 250 ग्राम आग लगा दी, कितने ग्राम? 250 ग्राम, ठीक है। तो फिर लो ये आग जाएगी गर्मी लेके, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन बैठे होंगे वो इस गर्मी को लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो इधर उधर घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे तो ये पार्टिकल ज्यादा पास पास रहेंगे, बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा, ज्यादा होगा, कम हो जाएगा। यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम हो रहा है, तो दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है? इन्वर्सली। अरे हाँ ना भैया, तुम्हें नहीं आया भैया, तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये, एक फॉर्मूला होता है, शायद आपने सुना हो, कोची फॉर्मूला, क्या होता है? सुना ही होगा यार कभी तो। अरे हाँ भैया, कोची फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, म्यू इज इक्वल टू में ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा की पावर 4। हाँ सीरीज है, ठीक है पूरी। एक काम करो, पहले यही नोट करो। अरे हाँ ना बोलो यार, बड़े म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, इसे नोट करो। उपाय क्या है बड़े? पहला पॉइंट था कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो है टेम्परेचर इन्वर्सली डिपेंड करता है, और ये आग जो है ग्राम में सच में नहीं दे दी, ऐसे मानने के लिए 250 ग्राम नीचे से यूं करके लगा दी, कहीं सच में यूनिट सोचने लगो कि हीट की यूनिट तो होती नहीं है ग्राम, आए ना भैया, फील लो। बड़े आगे बड़े, सेकेंड है कोची फॉर्मूला, क्या है? अरे बवाल के, पहला तो ये हो गया, अगला है कोची फॉर्मूला, ठीक है, फील लियो इस चीज की। यानी इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू में ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय लैम्डा स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा की पावर 4, एंड सीरीज चलती है, ठीक है। बड़ा ए बी सी क्या है? कांस्टेंट, क्या है? कांस्टेंट। यानी इतना लंबा ना भी याद रखो तो इसे कई जगह ऐसे भी लिखा जाता है, म्यू इज इक्वल टू में ए प्लस बी बाय लैम्डा स्क्वायर भी लिखा जाता है, सी नहीं लिखे, सीरीज ही तो है। ए और बी क्या है? कांस्टेंट। इतना भी ना लिखो तो इसे और ऐसे भी लिखा जाता है, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है। अरे आए ना भैया, यानी इनडायरेक्टली ये फॉर्मूला क्या कहना चाह रहे हैं कि वेवलेंथ और जो आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है, क्या से होती है? इनवर्सली। यानी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उतना कम होगा। तो यहां से निकलने क्या आने वाला भैया, हम जानते हैं वी आई बी जी वाई ओ आर, बताओ वेवलेंथ किसकी याद हुई? रेड कलर की। यानी वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज मोर देन द वेवलेंथ ऑफ द वायलेट कलर। अरे सबसे लास्ट वाला ये रहा, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसके रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम, यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट कलर इज मोर देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेड कलर। अरे हाय ना भैया, लपेटो भाई, बेसिक चीज हलवा। बड़ा फील है, कोची फॉर्मूला होने के बाद में नेक्स्ट आपका थर्ड टॉपिक आता है, क्या आता है? ये सेकंड टॉपिक में चल रहा था, सारी चीजें रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के अंदर थी। तो लिखो भैया थर्ड टॉपिक, टॉपिक नंबर आपका थर्ड है, क्या है, किसके ऊपर है? बड़ा रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। बड़ा रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट यानी बेंडिंग ऑफ लाइट। अरे यानी रिफ्रेक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट, तो बेंडिंग ऑफ लाइट आओ भाई,
आ जा यहाँ पढ़ा ले सामने। अरे आ जा यार, कहाँ बैठा है इसे बेटा? इन इस टोपू वाले के साथ में, नीले वाले के साथ में। बेटा आपको टाइम नहीं बताता आज का, पता लग रहा था तो भेज सारा मेरे को। ही इज ए बेटा आयन, प्लीज ना बोल दो। अरे बोला इतना आया नहीं आया बेटा। ये रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट क्या है? यानी रिफ्रेक्शन मतलब बेंडिंग, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट क्या है पढ़ने वाले हो? तो देखो बेटा यहाँ पे केसेस कैसे स्टार्ट होंगे। बेटा पहला डायग्राम क्या आएगा? पहला फिर लियो बेटा, यहाँ से गोली मारी, यहाँ से लाइट आई। लाइट आएगी मतलब पीछे कोई सोर्स होगा, आएगी ना वहीं से लाइट आ रही होगी। बेटा ये रेयर मीडियम मानता हूँ, ये डेंसर मीडियम मानता हूँ, मेरी मर्जी है। रेयर मतलब पार्टिकल दूर दूर, डेंसर मतलब पार्टिकल पास पास। तो लाइट रेयर मीडियम से अगर डेंसर मीडियम में आती है तो क्या होता हम देखने वाले। बेटा जिस पॉइंट पे गिरी उस पॉइंट पे क्या क्रिएट करोगे? नॉर्मल 90 डिग्री ऐसी बना दोगे, है ना? बोलो ये बनाओगे? अरे हाँ ना तो बोल दो बेटा। बेटा नॉर्मल जो है डॉटेड लाइन से आएगा, क्योंकि सीधे रियल में डंडा तो खड़ा नहीं है वहां पे। बता नॉर्मल और इंसिडेंट रे आने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। अब ये लाइट जो है जाना तो ऐसे चाहती है, जाना तो ऐसे चाहती, पर जाएगी रियल में ऐसी, ठीक है? यानी जाना जैसे चाहती है उससे बैंड होकर टूवर्ड्स द नॉर्मल उड़ जाती है, यानी इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ। ये 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अरे है ना भाई, यानी लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। अरे है ना भैया, बेसिक बातें हैं। तो अच्छा इस एंगल को बोलते क्या है जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसे क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आने वाली रे को क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। एक चीज का ख्याल रखना, जरूरी नहीं है वो रे जो है रेयर मीडियम में होनी चाहिए, जहां भी बल्ब हो रेयर में हो चाहे डेंसर में, बल्ब से जब लाइट निकलेगी तो उसे क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और बल्ब कहीं भी हो सकता है, सोर्स कहीं भी हो सकता है, रेयर में भी डेंसर में भी, बस सोर्स से जैसी लाइट निकली निकलने वाली लाइट को क्या बोल दिया? इंसिडेंट रे। तो जिस पॉइंट पे गिरेगी, जो सरफेस को पार्ट कर रही है डिवाइड कर रही है, जो ये लाइन दिख रही है, तो जिस पॉइंट पे गिरी उस पॉइंट पे क्या खींचोगे? नॉर्मल। लाइट जाने ऐसी चाहती है, पर अगर रेयर से डेंसर में आती है नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, थोड़ा डिविएशन आता है। क्या आता है? डिविएशन फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। ये डिविएशन हो गया, ये वाला दिख रहा है क्या? ये डिविएशन। अरे यार भैया इतना डिविएशन हो गया। बड़ा एक बार फिर लो, अगर मान लो लाइट जो है आपकी डेंसर से रेयर में आए, डेंसर से ये डेंसर है ये रेयर है, डेंसर से रेयर में आएगी तो क्या होगा भैया? ये बल्ब था, बल्ब से लाइट निकली, ये बल्ब ऊपर हो चाहे नीचे हो फर्क नहीं पड़ता, बल्ब से निकलने वाली लाइट का नाम क्या होता है? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे गिरेगी उस पॉइंट पे क्या बनाना है? 90 डिग्री बना लोगे। लाइट जाना ऐसे चाहती है, है ना भैया, पर जाएगी कैसे? कुछ ऐसी, ठीक है? अभी फ्रॉम द नॉर्मल, यानी अगर डेंसर से रेयर में आती है तो ये नॉर्मल लाइन जो दिख रही है नॉर्मल, इससे दूर भागती, इससे दूर भागती, कौन? रिफ्लेक्टेड रे। ये जाना ऐसे चाहती थी, थोड़ी उधर मुड़ जाएगी, अब उधर मुड़ी है तो नॉर्मल से दूरी हुई है ना भैया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ, और इस एंगल को क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बोलो हाँ, ठीक है, पढ़ा है ना आप लोगों ने? नहीं पढ़ा यार। बड़ा नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। क्या है? जाना ऐसे चाहती थी पर मुड़ उधर गई, तो दूर गई है, पास आई है नॉर्मल से, दूर गई है। और अगर रेयर से डेंसर में आएगी तो जाना ऐसी चाहती थी नॉर्मल की तरफ आ गई, तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अरे हाँ ना भैया, यानी व्हेन द रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम, बोल बेटा, रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम, तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। अरे हाँ, तो यहां पर उल्टा करके लिखोगे, व्हेन द रे ऑफ लाइट, व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम, बोल बेटा कहां से कहां? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, तो इट बेंड्स, बोल बेटा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये तो बेसिक बात है। अरे यानी लाइट अगर रेयर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, अगर डेंसर से रेयर में आ रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कौन? रिफ्लेक्टेड रे। कौन? ये रिफ्लेक्टेड नहीं होता, रिफ्रैक्टेड होता है। क्या होता है? बोलना सीख लो सारे बच्चे, रिफ्रैक्टेड क्या होता है? लपेटो इसे, हलवा चीज। बड़ा आगे देखें, बड़े ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश जो है वो क्या लिखी है? व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द रेयर मीडियम टू द डेंसर मीडियम,
तो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी रेयर से डेंसर में जब लाइट आती है तो रिफ्रेक्टेड रे नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ये क्या लिखा है, व्हेन द रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू द रेयर मीडियम तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब लाइट जो है रिफ्रेक्टेड रे जो है ये नॉर्मल से दूर जब जाती है जब लाइट जो है डेंसर से रेयर में आई हो। अरे हाँ ना भाई, चलो भैया अगला बेटा, ये दो के दो डायग्राम कितने हो गए, यानी रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट में ये दो डायग्राम हो गए। तीसरा डायग्राम आओ, डायग्राम नंबर तीसरा बेटा फिर लीजिए। मान लीजिए बेटा ये क्या, एक सरफेस है, ये एक ऐसी सरफेस है दो मीडियम को सेपरेट कर रही है। अरे हाँ ना भैया, बड़ा मान लें एक मीडियम यहाँ पे, हमें नहीं पता मीडियम क्या है, ये रेयर मीडियम मानते हैं, क्या मानते हैं रेयर, और ये क्या मानते हैं डेंसर। और यहाँ से एक लाइट आती है, लाइट बल्ब यहाँ हो सकता है, लाइट ऐसे आ सकती है, बल्ब यहाँ हो सकता है, लाइट ऐसे आ सकती है, लाइट ऐसे आ सकती है, ऐसे ऐसे करके लाइट तो कैसे भी आ सकती है। अरे हाँ ना बोले यार, उसकी मर्जी है। तो मान लीजिए लाइट जो है कैसे आ रही है, लाइट जो सीधी आ रही है, कैसे आ रही है, तो बल्ब यहाँ लगा है बिल्कुल, तो लाइट सीधी आएगी यहाँ पड़ेगी, तो जिस पॉइंट पे गिरती है उस पॉइंट पे क्या क्रिएट करते हो नॉर्मल, तो इसी पॉइंट पे नॉर्मल बना दो, यहाँ पे नॉर्मल भी उसी के ऊपर आएगा। तो बताओ नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों एक ही जगह है। अरे ना भैया, नॉर्मल इंसिडेंट रे दोनों एक ही जगह है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, जीरो डिग्री का, एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो। तो यानी लाइट जैसे आ रही है वैसे ही चली जाएगी सीधे, कोई भी डेविएशन नहीं आएगा, कोई भी डेविएशन नहीं आएगा। अरे हाँ ना बोले यार, क्या लिखेगा, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट ठीक है ट्रेवलिंग अलोंग द नॉर्मल पासिस अनडिफ्लेक्टेड, क्या होगी अनडिफ्लेक्टेड, यानी अगर नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो कोई भी डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, अनडिफ्लेक्शन। अरे हाँ ना भाई यार, विदाउट एनी डेविएशन नहीं आया तुम्हें यार, बिना किसी डेविएशन के लाइट सीधी निकल जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितने डिग्री है, जीरो डिग्री, यानी किसी एंगल पे लाइट आएगी तब दिखेगा डेविएशन, समझ रहे हो क्या। पर उसमें भी एक और कंडीशन है, फोर्थ, टोटल सात से आठ डायग्राम बनाएंगे, चौथा देखिए बेटा। मान लीजिए लाइट जो है ऐसे आ रही है, लाइट यहाँ से आ रही है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, इसका म्यू टू है, कितना है म्यू टू, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। मान लो एक यहाँ पे कुछ मटेरियल भरा है, यहाँ पे कुछ मटेरियल भरा है, और उन दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है, दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, यानी यहाँ पे ग्लिसरीन डाल दिया, यहाँ पे ग्लास डाल दिया, लगभग उनका सेम है मान लिया। तो अगर ऐसा है दोनों सेम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है दोनों मीडियम का, और एक मीडियम से लाइट डाली जा रही है, और इस पॉइंट पे नॉर्मल तुमने क्रिएट कर भी दिया, अगर दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है सेम है, इफ इफ इफ, तो लाइट में कोई भी डिविजन देखने को नहीं मिलेगा, लाइट जैसे आ रही थी वैसे ही चली जाएगी ठीक है, बिल्कुल वैसे ही विदाउट एनी डिविजन। यहाँ पे भी कोई भी डिविजन नहीं है, यहाँ पे भी कोई भी डिविजन नहीं है, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो है, कब होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट जीरो, जब 90 डिग्री पे आएगी ठीक है। यहाँ पे भी कोई डिविजन नहीं है, कब होगा, जब क्या होगा दोनों का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल। चार डायग्राम होंगे, पांचवा रहेंगे, जल्दी से नोट करो इसे, आगे बढ़े बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। ये देखें डायग्राम चार हो गए, टॉपिक जो है रिफ्रेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है उसके अंदर। अगला करें भाई पांचवा डायग्राम, बड़ा है अगर लाइट जो है रेयर से डेंसर में आएगी तो क्या होगा, पता लग गया, डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर से डेंसर में आएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छी बात है भाई, इजी है बड़ा। एक और चीज देखें, अच्छा बताओ मेरे को, अगर मान लो कोई गोला बनाया, क्या बनाया, गोला, गोला का सेंटर है, गोले का सेंटर है, मैंने कहा एक पॉइंट ले लिया पी, एक पॉइंट ले लिया एस, एक पॉइंट ले लिया के, एक पॉइंट ले लिया एल, मेरी मर्जी है। मैंने कहा इस पे जो है 90 डिग्री क्रिएट करो, P वाले पॉइंट पे 90 डिग्री, तो यार सर्कल पे 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, पहले टेंजेंट खींचो, अरे आए भाई, और टेंजेंट से सेंटर को मिला दो 90 डिग्री, यहाँ पे अगर 90 डिग्री बनाना है तो कैसे बनाओगे, यहाँ से सीधे टेंजेंट खींचो और सेंटर से मिला दो। अरे हाँ भैया, यहाँ पे किसी ने पूछा 90 डिग्री ड्रॉ करो, तो यहाँ से टेंजेंट और वहाँ से 90 डिग्री, ऐसे तो बनाते थे, ये क्लास 10th में होता था, किसमें होता था, और चैप्टर भी 10th ही था। अरे जिसका नाम था सर्कल, क्या नाम था, सर्कल। तो बेसिक बातें, चलो ये भी तुम्हें आती होंगी ठीक है, आइए आगे बढ़ते बेटा। अगला डायग्राम है पांचवा, फिफ्थ, मान लीजिए गोला दे रखा है ठीक है, ये लाइन जा रही है सीधी, ये सेंटर ही गए, और कोई लाइट यहाँ से आ रही है ठीक है, यहाँ से बेटा इस लाइट को कहेंगे क्या इंसिडेंट रे, आने वाली लाइट यहाँ बल्ब लगा होगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है बेटा। यहाँ पे जब लाइट आती है ऐसे करके, तो ये डायग्राम गिवन नहीं होगा, ऐसे करके ये नहीं होगा ठीक है, ऐसे दे रखा होगा बस, क्या कंप्लीट द डायग्राम, कंप्लीट ना। तो आपको जिस पॉइंट पे गिरेगी उस पॉइंट पे क्या क्रिएट कर रहा हूं, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सर्कल के किसी पॉइंट पे 90 डिग्री बनाने का तरीका क्या है, पहले टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट बना के वहां पे सीधे सेंटर की तरफ लाइन खींच दो, तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे करके, फिर यहां पे क्या करेंगे 90 डिग्री कुछ ऐसे ही आएगा, अरे आए ना भैया, तो इस लाइन को बना दो ऐसे करके, ये क्या नॉर्मल हुई नहीं हुई बेटा, ये नॉर्मल नहीं है, तो टेंजेंट है क्या है,
टेंजेंट पे सेंटर से जो लाइन मिलेगी वो होगी आपकी। अरे आए ना भैया, बट ऐसा क्या बताओ, ये लाइट जो है ऐसा आ रही है, यहाँ एयर है, ये ग्लास है, ग्लास के बाद फिर क्या है, एयर है। यानी पहले आप एयर से किसमें आ रहे हो, ग्लास में, फिर ग्लास से किसमें आ रहे हो, एयर में। यानी पहले रेयर टू किसमें आ रहे हो, डेंसर में, फिर डेंसर से किसमें आ रहे हो, रेयर में। यानी पहले रेयर से डेंसर, फिर डेंसर से रेयर, इतना आ रहा होगा। पहले बात करते हैं रेयर से डेंसर में आएंगे तो हमें पता क्या होगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो जाना ऐसे चाहती है लाइट, तो जाना ऐसे चाहती है, चाहती तो ऐसे ही है, और नॉर्मल तो ये है, नॉर्मल तो ये है। तो भैया जाना ऐसे चाहती है तो नॉर्मल से मुड़ जाएगी ना, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, नॉर्मल की जैसा जाना चाहती है वैसे ना जाते, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। अरे आए ना भैया, तो अपनी मर्जी से कितना भी कर लो, ये इतना कर दिया, कोई दिक्कत किसी को? देखो नॉर्मल से इधर ही आई है, नॉर्मल की तरफ आई है, नॉर्मल की तरफ। बताओ जब इस पॉइंट पे आएगी, ग्लास से किसमें आएगी, एयर में, यानी डेंसर से रेयर में। बताओ इस पॉइंट पे क्या करोगे, टेंजेंट बनाओगे, बना दिया, फिर क्या करोगे, सेंटर से लाइन ड्रॉ करोगे। अरे आए भैया, यही तो 90 डिग्री होगा। बताओ लाइट जो है जाना कैसे चाहती है, लाइट ऐसे आ रही है, लाइट जाना ऐसे ही चाहती है जैसे आ रही है, ठीक है भैया, पर जाएगी कैसे, नॉर्मल से अवे, अवे यानी इस तरह मुड़ जाएगी। तो मैं नहीं आया भैया, ये कौन सी है, इमरजेंट रे, क्या होगी, इमरजेंट रे। बेटा ये नॉर्मल है, ये रिफ्रेक्टेड रे, कौन सी है, और ये कौन सी, इंसिडेंट रे। बेटा यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ, बताओ ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा ये एंगल और ये एंगल बहरहाल ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या होगा, इंसिडेंट, ठीक है। मान लो इसे आई वन मान लो, इसे आर वन मान लो, तो इसे आई टू मानना पड़ेगा, इसे आर टू विच इज इक्वल टू ई, ठीक है, इसे एंगल ऑफ इमरजेंट बोलते, क्या एंगल, एंगल इमरजेंट, 10th क्लास में पढ़ाई होगा, ठीक है। बहरहाल ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस वक्त इक्वल है, इस वक्त क्यों, क्योंकि सर्कल के अंदर बन रहे, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल है, तो उसके एंगल भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, बेसिक बात है। तो यहां पे मैं चाहूं तो आर वन यहां लिखा है, तो यहां पे भी क्या लिख सकता हूं, आर वन, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि ये वाली जो साइड है ये भी रेडियस और ये भी क्या है, रेडियस, दोनों रेडियस है। अगर ये वाले इसके इक्वल है तो अंदर के एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, बेसिक डायग्राम है। अरे ना भाई, अरे रेयर से डेंसर आ गया, रेयर से डेंसर मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल, और डेंसर से एयर फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल था, ये भी नॉर्मल था, डेस लगा दो अलग नॉर्मल है। आए ना बेटे, एक डायग्राम तो हो गया, ये इजी बिल्कुल, ठीक है। तो पहला केस इसमें क्या था, फर्स्ट रेयर टू डेंसर, और दूसरा क्या था, सेकंड डेंसर टू रेयर। जब रेयर टू डेंसर है तो अवे फ्रॉम द, सोचना मत, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यहां क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेटा फील लीजिए डायग्राम नंबर नेक्स्ट, ये हो गया पांचवा, छठा। मान लीजिए गोला है और ये, ठीक है, लाइट जो है ऐसे आ रही है, ठीक है, फिर डायग्राम में लेके सातवा ही बनाता हूं आपके। मान लीजिए ऐसा हो और यहां पे अंदर सेंटर हो और यहां पे कहां है, यहां सोर्स रखा हो यहां पे, और अंदर से लाइट आ रही है, तो क्या होगा देखते हैं अभी, फील लीजिए। बेटा मान लीजिए ऐसे लाइट आ रही है, ठीक है, बताओ ये एयर, ये ग्लास, ये एयर, पहले किसने आ रही है, एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में, यानी पहले रेयर टू डेंसर में, फिर डेंसर से रेयर में। अरे हाँ तो बोल दो यार, ये दो केस दिख रहे। तो जब रेयर से डेंसर में आएगी तो सिर्फ इतना याद रखो, टुवर्ड्स द, खत्म कहानी बात। और जब डेंसर से रेयर में आएगी तो अवे फ्रॉम द, और कुछ है ही नहीं। तो भैया लाइट आ रही है, मस्त आ रही है, जिस पॉइंट पे गिरेगी उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। तो भैया नॉर्मल कैसे क्रिएट करें इस वाले पॉइंट पे, तो उसका तरीका पहले टेंजेंट क्रिएट करो और सीधे सीधे उसके गिर दो, सेंटर को मिला दो। अरे यही तो होगा नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, है ना भैया। तो ये नॉर्मल हो गया, एन, क्या लिख दिया, एन। अब इस लाइट का नाम क्या, इंसिडेंट रे। अब बताओ ये लाइट ऐसे आ रही है तो जाना तो चाहिए ऐसे ही। अरे हाँ भैया, लाइट ऐसे आ रही है तो जाती तो ऐसे ही आगे बढ़ रहे, पर रियल में होता क्या है, रेयर से डेंसर, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। ये तो सीधी लाइन खेल खींच दो, ये सेंटर से लाइन है, बिल्कुल डायमीटर है ना। तो अरे हाँ तो बोल दो यार, ये लाइन तो लाइन ऐसे कुछ ऐसे ऐसे आ गई, नहीं आया भैया तुम्हें, अरे आ गया होगा यार, हाँ तो बोल दो यार। बेटा लाइट जो है ऐसी जाना चाहती थी तो मैं नहीं आया, ये लाइट ऐसे ही जाना चाहती है, नॉर्मल की तरफ मुड़गी, यहाँ गिरेगी तो क्या क्रिएट करोगे वापस से, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ड्रॉ करो यहाँ पे। अरे आए ना भैया, ये 90 डिग्री कुछ ऐसा मिलेगा, नहीं आए, अरे आ गया होगा यार, 90 डिग्री ड्रॉ करना नहीं आया आप लोगों को, तुम्हारे चेहरे देख के लग नहीं रहा। बेटा जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाना है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, फिर उससे सेंटर को मिला देंगे तो नॉर्मल आ जाएगा। आ गया, नहीं आया। उसके बाद हम क्या देखेंगे, लाइट ऐसे आ रही थी तो लाइट ऐसे जाना चाहेगी, पर होता ऐसा नहीं है, नॉर्मल से दूर भाग जाती है। अरे आए ना भैया, ओ माय गॉड, अरे हाँ ना बोल भाई। बेटा एंड, और ये नॉर्मल है
ये दूसरा नॉर्मल है, इस वाले पॉइंट का नॉर्मल ये रहा, इस वाले पॉइंट का नॉर्मल ये रहा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। अरे है ना भैया। और ये जो है ये ओफिलियो, ये ऐसे जाना चाहती थी, रियल में ये नॉर्मल तो यही है ना, ये रिफ्रेक्टेड रे है, इनके बीच में जो एंगल बनता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तेरे को नहीं आया बाबा रामदेव, फिर ले ऊपर देख बेटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा टू और टू, पर ये वाला इस वाले के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस इक्वल है। अरे आया ना भैया, तुम्हें नहीं आया, अच्छी बात है। पहले रे टू डेंसर यानी टूवर्ड्स द नॉर्मल, डेंसर टू रे अवे फ्रॉम द, ये तो बच्चा भी कर लेगा। अगला डायग्राम देखते हैं, बोल बेटा नेक्स्ट डायग्राम सेवंथ। बड़े गोले थोड़ा अलग बताते, ये गोले है, बड़ा गोले का डायमीटर सेंटर ही है, सेंटर के जस्ट बगल में एक मैंने बल्ब या सोर्स रख दिया, कोई कोई दिक्कत किसी को? सेंटर के जस्ट बगल में एक गोला या सोर्स रख दिया कोई, ठीक है ये रखा बेटा, यहां से लाइट उठेगी तो यहां से लाइट जाएगी ऐसे सीधी बढ़ेगी लाइट, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अरे आए ना भैया, जा रही है मस्त आगे की तरफ जाएगी, जब यहां पे पहुंचेगी तो उसे क्या लगेगा, ये ग्लास था, अब ये क्या है, एयर, तो ग्लास से एयर में मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज हो रहा है तो करे ड्रॉ करो नॉर्मल, तो इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री ड्रॉ कर रहा है, 90 डिग्री कुछ नहीं है, बस उस वाले पॉइंट को सेंटर से मिला दो, सेंटर से, क्योंकि आप यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, फिर इस वाले पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करोगे, ऐसे तो करोगे भाई, तो क्यों कर रहे बार बार टेंजेंट ड्रॉ, सीधे आपको जिस पॉइंट पे 90 डिग्री बनाने उस पॉइंट को सेंटर से मिला दो। हाँ है ना भैया। अब बताओ लाइट जैसे जा रही है, चाहती तो लाइट वही है वैसे चलूं, लाइट तो यही चाहती है, ऐसे जा रही हूं ऐसे जाती रहूं, चाहती तो वही है। अच्छा नॉर्मल ये है ना, ये तो इसे पीछे बढ़ाओ, नॉर्मल तो ये ड्रॉ करा है ना आपने, हाँ ना बोले यार, बताओ लाइट चाहती है ऐसे जाना, पर ये आके सिर्फ डेंसर से रेयर में, बताओ डेंसर से रेयर में होता है अवे फ्रॉम द, तो नॉर्मल का ढूंढो तो सही, ये तो रहा नॉर्मल, तो नॉर्मल से अवे, तो यानी लाइट ऐसे जाना चाहती है, जाना ऐसे चाहती है, जाएगी क्या इधर या उधर, इधर जाएगी ना भैया, इधर भग जाएगी बेटा, कोई भी बच्चा ये ना सोचे इधर आएगी, क्योंकि जाना ऐसे चाहती है, डॉटेड लाइन देखो, तो डॉटेड लाइन से इधर या उधर, इधर जाएगी ना भाई, अगर डॉटेड लाइन से इधर होगी तो इधर टूवर्ड्स होगी ना, तो डॉटेड लाइन से अवे पीछे जाएगी ना, तभी तो नॉर्मल से अवे होगी, तो ये कौन सी रे होगी, रिफ्रेक्टेड रे, और रिफ्रेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, क्या होता है रिफ्रैक्शन, और ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट। बेटा बेसिक बात ऐसी है कि लाइट ये रही, यहां पे मान लो नॉर्मल ड्रॉ करा है, क्या ड्रॉ करा है, ये लाइट ऐसे आ रही है, यहां पे 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया ऐसे, कोई दिक्कत किसी को, लाइट चाहती ऐसे है जाना, चाहती ऐसे, मान लो ये रेयर है एयर है और ये ग्लास है, क्या है ऐसे मान लो, ठीक है दो अलग मीडियम है, तो जैसे आपने यहां ड्रॉ करा चाहती तो ऐसे जाना, पर जाएगी ऐसे, नॉर्मल ये तो ना, अरे आए ना भाई ये बोल रहा हूं, तो बताओ इससे इधर जाएगी या उधर जाएगी, दो ही रास्ते हैं, इससे इधर जा सकती है नहीं तो इधर से उधर जा सकती है, अगर इधर जाएगी तो अवे नॉर्मल से, इधर आएगी तो टूवर्ड्स, तो अगर मैं कह रहा हूं एयर से ग्लास में आ रही है तो रेयर से, तो रेयर से डेंसर यानी टूवर्ड्स नॉर्मल, तो इधर मुड़ जाएगी ना, कहीं भी ले लो उसके बीच में कहीं भी ले सकते हो आपकी मर्जी है, पर इससे इधर ही लेना ताकि नॉर्मल की तरफ हो। अरे हाँ है ना भैया। और अवे की बात करोगे तो जैसा जाना चाहती थी वहां से देखना है तो वहां से इधर होगा ना, कई बच्चे सोचेंगे अवे तो ये भी होता है, तो यार तुम आओगे तो इधर से ही मतलब टूवर्ड्स है अबे मतलब इधर। अरे हाँ ना भैया, तो यार वही तो करा मैंने यहाँ पे, तुम्हें नहीं आया, उम्मीद नहीं थी, इतना भी समझाना पड़ेगा तुम्हें, तुझे तोड़ दिया तुम्हें, हो गया है डायग्राम, लव इट भाई ऐसे बड़ा फील लीजिए, डायग्राम ही हो गए सात, कितने हो गए आठवां डायग्राम देखें, बड़ा फील लीजिए डायग्राम नंबर एट, डायग्राम नंबर बड़ा प्रिज्म तो देखा होगा कभी, बोल मत देखना नहीं देखा प्रिज्म, बड़ा मान लो यहां पे एक सोर्स लगा दिया, यहां से लाइट आ रही है मस्त ऐसे करके ये आगे, बड़ा जिस पॉइंट पे लाइट गिरेगी उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करें 90 डिग्री, यहां पे हवा है यहां पे ग्लास है, पहले इस मीडियम से इस मीडियम में आई फिर ग्लास से हवा में आ रही है वापस, यानी पहले आ रही है रेयर टू डेंसर फिर डेंसर टू रेयर, जब रेयर से डेंसर तो टूवर्ड्स द
नॉर्मल, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बेसिक बात है, आप फील लीजिए बेटा। लाइट जब एक मीडियम यहाँ पे गिरी तो हमें पता है यहाँ से मीडियम चेंज हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है? जब मीडियम चेंज हो रहा है तो 90 डिग्री ड्रॉ करो, तो इस वाली सरफेस पर 90 डिग्री तो ये आएगा। अरे हाँ ना भैया, अरे कोई लाइन ऐसी है तो उसमें 90 डिग्री तो ऐसी होगा। अरे हाँ ना भैया, 90 डिग्री का क्या, अब फील लेते रहे बता। अब ये नॉर्मल है, क्या है नॉर्मल, नॉर्मल को ध्यान रखना बता। लाइट जो आ रही है, लाइट का नाम इंसिडेंट रे, ये जाना तो ऐसे चाहती है, चाहती तो ऐसी है। अब बताओ सिर्फ दिमाग इतना लगाओ, नॉर्मल ये जाना ऐसे चाहती है तो जाएगी कहाँ, जाना ऐसे चाहती है वहीं से मुड़ेगी, तो इधर मुड़ू या उधर मुड़ू भाई, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द, अब टुवर्ड्स द नॉर्मल देखो यहां पे आ सकती है, यहां से भी ले सकते हो, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सब सही है, कहीं भी ले लो, इस लाइन से नीचे और इस लाइन से ऊपर सब टुवर्ड्स द नॉर्मल ही है। अरे आए ना भैया, भाई इस लाइन से थोड़ा सा सटका दे तो भी ठीक है, थोड़ा ज्यादा ले ले वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब ठीक है। अरे आए ना भैया, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको बिल्कुल वैसे ही लेनी है जैसे मैं ले रहा हूं, जैसा आपका मन करे। अरे हाँ तो बोल दो, आए नहीं आए, बेसिक बातें आ गया होगा, मान लीजिए ले लिया, ठीक है सही है गलत है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भैया इस वाली लाइन से इधर लेना, कहीं भी ले लो। अब फिर जब ये लाइट ऐसे आ रही है रिफ्लेक्टेड रे, अभी आगे बढ़ रही है, मस्त ग्लास में बढ़ रही है, बढ़ते बढ़ते जैसे यहां पहुंची इसे क्या लगा, अब ग्लास से किसमें कूद रहे हैं, एयर में, मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज तो 90 डिग्री ड्रॉ करो, तो इस वाले पॉइंट पे 90 डिग्री मतलब इस वाली सरफेस पे 90 डिग्री तो कुछ ऐसे होने वाला है। अरे हाँ ना भैया, बेटा इस वाली सरफेस पे 90 डिग्री तो ऐसे होगा, अब इसका नॉर्मल है तो एन, तो ये क्या होगा एन डैश, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ये लाइट जो आ रही है जाना तो ऐसे चाहेगी, चाहेगी तो ऐसे, अब बताओ ये लाइट ऐसे आ रही है जानते वैसे जाना है ऐसे रखिए, पर जाएगी किधर, दो रास्ते हैं, एक उधर या एक इधर, तो नीचे आएगी ना भैया, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द, ये हो गया इमरजेंट रे, क्या बोलते हैं, और इन दोनों के बीच में एंगल बनने वाला एंगल ऑफ इमरजेंट। अरे भाई ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, बड़ा रिफ्लेक्टेड रे ये रहा नॉर्मल, ये नॉर्मल ये, इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अरे हाँ बोले, मान लो ये आई वन है, ये आर वन है, ये भी अभी ई ना दिखाओ, ये क्या होगा आई टू, ये क्या होगा आर टू। बड़ा फिर लो ये आई टू क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे, केस दो है, कितने है? दो, पहले एक बार यहां से यहां आया केस खत्म, अब वापस से ऐसा मान के चल रहे हैं यहां से दोबारा से केस स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बार एयर से ग्लास खत्म केस, फिर ग्लास से एयर, तो दोबारा से एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अरे आया ना भैया, बहरहाल अगर आपको किसी चीज में दो या एक से ज्यादा बार आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिले, एक से ज्यादा बार रिफ्लेक्शन देखने को मिले, तो आप लास्ट वाले एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंट बोल सकते हो, एंगल ऑफ, यानी जब रिफ्रैक्शन एक से ज्यादा बार देखने को मिलेगा, दो तीन चार पांच जितनी, तो लास्ट वाले एंगल को एंगल ऑफ इमरजेंट बोल सकते हो। तो यहां पे देखो एक बार रिफ्रैक्शन हुआ, फिर दोबारा हुआ है, तो चाहो तो आप इसे एंगल ऑफ इमरजेंट भी लिख सकते हो। अरे अभी अगर मान लो तीन बार होता, कितनी बार होता, तो लास्ट में जो निकलता उसे एंगल ऑफ इमरजेंट भी बोल सकते हो, क्योंकि इमरजेंट रे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, होती रिफ्रैक्टेड रे ही है, पर जब एक से ज्यादा बार रिफ्रैक्शन देखने को मिल रहा है तो लास्ट में जो रे निकलेगी उसको क्या बोल सकते हैं, इमरजेंट रे, और जो एंगल बनेगा उसे एंगल ऑफ इमरजेंट। समझ में आ रहे हो, लपेटो लास्ट वाले बड़ा फील लीजिए। एक और चीज लिखिए, ये इमरजेंट रे जब रिफ्रैक्शन एक या एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार, नॉट एक बार, एक से ज्यादा बार देखने को मिलेगा तो लास्ट में जो एंगल होगा एंगल ऑफ इमरजेंट कहते हैं उसे। फील लीजिए, यहां पे एक और टेंथ क्लास में चीज बोलते थे, इमरजेंट रे को जरा पीछे बढ़ाओ, बढ़ा दोगे इमरजेंट रे को पीछे बढ़ाओ, ये बाहर निकल रही है, और ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, इन दोनों के बीच में एक एंगल बनता है एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं इसे, बोलते हैं एंगल ऑफ। बहरहाल तुम बाद में देखोगे भी ये चीज। अरे आए ना भैया, प्रिज्म का पूरा फॉर्मेट ड्राइव होगा आपके सिलेबस में, बड़ा इमरजेंट रे और एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, ठीक है चलो बाद में देख लोगे, मिटो नहीं से। बड़ा अगला देखें, एक और डायग्राम, ये आठवां था, नौवां डायग्राम भी देख लो, बड़ा डायग्राम नंबर नाइन्थ, बड़ा ग्लास स्लैब, क्या देखो सुना होगा कभी, हाँ भाई ग्लास स्लैब भी दिखाते हैं। बेटा एक कांच की एक स्लैब ले ली, एक कांच की फट्टी ले ली, ऊपर से लाइट मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, तो यहां रखा एक सोर्स, यहां से लाइट आती है मस्त से पड़ती है। बता बेटा रिफ्रैक्शन दो बार हो रहा है, तीन बार हो रहा है, दो बार, एक बार यहां पे हवा है, फिर ग्लास है, फिर ग्लास है, फिर एयर है, तो एक बार एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से एयर में, एक बार रेयर टू डेंसर में, फिर एक बार डेंसर टू रेयर में। अरे आए ना भैया, इसे देख लो आराम से, ये तो बेसिक है,
बिल्कुल यही कह रहे हैं सारी के। बताओ जिस पॉइंट पे गिर रही है तो यहाँ पे लाइट आने के बाद उसे पता लग रहा है मीडियम चेंज हो रहा है, तो मीडियम चेंज तो क्या ड्रॉ करोगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री ऐसे बनेगा। अरे आए भैया तो लाइट जाना कैसे चाहती है, लाइट तो निकलना ऐसे चाहती है। अरे आए ना भैया चाहती तो ऐसे है, पर नॉर्मल की तरफ जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई। अब कहीं नॉर्मल की तरफ मोड़ते मोड़ते नॉर्मल के उधर मत निकाल लेना, ठीक है। तो नॉर्मल की तरफ यानी रिफ्लेक्टेड रे, क्या है ये? रिफ्लेक्टेड नहीं होता, रिफ्रैक्टेड होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे। क्या होता है? बड़ा इंसिडेंट रे। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, वन मान लेते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं आर वन। क्या बोलते हैं? आर वन। बेसिक बात बड़ा, जिस पॉइंट पे गिरेगी उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करोगे? नॉर्मल, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, तो यहां पे 90 डिग्री ड्रॉ करो, कुछ ऐसा बनने वाला है। अरे हाँ भैया बताओ लाइट जाना कैसे चाहती है, ऐसे आ रही है तो ऐसे जाना चाहती है, ठीक है भैया। जाएगी कैसे बताओ? नॉर्मल से दूर, नॉर्मल के पास या नॉर्मल से दूर? तो दूर तो इधर ही होगा। अरे हाँ भैया इसको रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। क्या बोल रहा हूँ? इमरजेंट रे, क्योंकि रिफ्रैक्शन आपको दो बार दिख गया, एक से ज्यादा बार दिख गया, तो इमरजेंट रे बोल रहा हूँ। तो इमरजेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इमरजेंट, ठीक है। बहरहाल अगर बेसिक बातें करें तो ये आर वन है, तो चाहो तो आप इसे क्या लिख सकते हो? बोल बेटा क्या लिख सकते हो? इसे आई टू भी लिख सकता है, और इसे क्या लिख सकता है? आर टू। गलत नहीं कहलाएगा, ठीक है, गलत। अरे एक बार हुआ आई वन लिख दिया, आर वन लिख दिया, फिर दोबारा हो रहा है तो आई टू और आर टू, ठीक है। अरे हाँ ना बोलो। बहरहाल एक और चीज भी है कि यह आर वन वाला और आई टू वाला हमेशा इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल और ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो ये वाला भी इसके इक्वल। दिखाऊंगा कैसे, फिर लो। कभी ये सुना होगा जेड वाला एंगल? अरे सुना होगा यार बेटा, ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल वन टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, है ना भैया? अब फिर लो इसको ऐसा बना दो, थोड़ा खड़ा करके, जेड ही तो है देखो। अरे हाँ भैया ये एक लाइन पैरेलल, ये एक लाइन पैरेलल, ये पी क्यू सर्फेस ले ली, ये एस आर ले ली, तो फिर जेड वाला एंगल है या नहीं है? तो ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा क्या? ये सिर्फ जब ही होगा जब ये वाली लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो, ओनली इफ पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, तब एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू होने वाला है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं। अरे आए ना भैया, तो मैं कहता रहा हूँ ये वाली लाइन जो है पैरेलल है, तो यानी ये एंगल इसके इक्वल रहा होगा, ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये एंगल भी इन दोनों के इक्वल होंगे, ठीक है। बहरहाल प्रूफ भी करा दूंगा अभी बेटा, इसको इमरजेंट एंगल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंट एंगल। अब फिर लो ये क्या है? इंसिडेंट रे कि एक्सटेंडेड रे? क्या है? एक्सटेंडेड यानी इंसिडेंट रे तो ये उसकी एक्सटेंडेड रे यही है क्या? और ये कौन सी रे है? इमरजेंट रे। इन दोनों के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इमरजेंट रे एंड द एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अरे हाँ ना बोल यार, बेसिक बुनियादी चीजें आपको आती है, लपेट लो। इंसिडेंट पहले वाले की बेटा, फिर ले ये आ रही है, ये वाली, यही वाली बढ़ाते रहो आगे, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, है ना भैया? तो शुरू वाले की एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे बढ़ाओगे, और जो इमरजेंट रे निकल रही है उन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, लपेटिए से। देखते हैं बेटा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या चल रहा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में नौ डायग्राम पड़े, कितने पड़े? केस देखते हैं, कौन मिटो दे इसे। चलो भैया बेटा एक और बेसिक बात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर, एक इंपॉर्टेंट नोट बेटा, डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे व्हेन इट इज रिफ्रैक्टेड, व्हेन इट इज रिफ्रैक्टेड इज गिवन बाय द आई माइनस आर, आई माइनस आर, क्योंकि ये क्या, ये डेविएशन है, क्या है? डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे व्हेन इट इज रिफ्रैक्टेड, व्हेन इट इज रिफ्रैक्टेड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, ऐसे लिख लो, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय दिस माइनस दिस और दैट, ठीक है, लिख लीजिए। अब ध्यान से जरा समझने की कोशिश कीजिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती मुड़ती है, इसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। पर कितना मुड़ी भाई, कुछ तो होगा, एक डिग्री, दो डिग्री, तीन डिग्री, चार डिग्री, कैसे निकालें? इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फिर लो यहाँ एक सोर्स लगाए, यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ पड़ चुकी है, यहाँ से नॉर्मल क्रिएट कर दिया है, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे। अगर मान लो ये रेयर और ये डेंसर है, तो मैं पता कहाँ मुड़ेगी लाइट? बताओ जाना ऐसे चाहती है
और जाएगी नॉर्मल की तरफ, तो बताओ ये रिफ्रेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, बीच का एंगल कितना डिग्री का है नहीं पता, ये एंगल कितना है नहीं पता। मान लो एग्जाम में दे रखा एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन इज इक्वल टू 30 डिग्री, कोई दिक्कत किसी को? तो डेविएशन हुआ कहां से, जाना यहां चाहती थी पर मुड़ी इस तरफ, कितना मुड़ी पता है या नहीं? तो डेविएशन तो यही है। अरे है ना भैया, अब मेरे को इतना बता दो सिर्फ, ये लाइट ऐसे आ रही थी नॉर्मल यहां पे गिर गया है, लाइट जाना ऐसे चाहती थी गई ऐसे, अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा? 60 डिग्री होगा भाई। और ये एंगल मैं कह रहा हूं 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो यानी जो ये डेविएशन है ये दिख रहा है, ये क्या है? डेविएशन। बताओ ये डेविएशन कैसे निकाला, बताओ भैया। डेविएशन निकालने के लिए आई माइनस में आर। अच्छा मोड़ क्यों लगाया, क्योंकि एंगल नेगेटिव में थोड़ा आएंगे यहाँ पे। बताओ आई कितना है? 60 डिग्री माइनस में 30 डिग्री, देन यू गेट द, यानी डेविएशन 30 का हुआ, यानी डिफ्लेक्शन 30 डिग्री का आया है बेसिक। बेटा डिफ्लेक्शन मतलब डेविएशन, डेविएशन मतलब मुड़ना कितना भटका, डिफ्लेक्शन मतलब मुड़ना कितना भटका, एक चीज का अलग अलग नाम हो सकते हैं बच्चा। तो कितना डिफ्लेक्शन आया मतलब कितना डेविएशन आया, 30 डिग्री का तो नहीं आया, बेसिक कहानी है, लपेटिए। डेविएशन ऑफ द इंसिडेंट रे व्हेन इट इज रिफ्रैक्टेड, व्हेन इट इज रिफ्रैक्टेड इज गिवन बाय, रिफ्रैक्टेड बोला है, रिफ्लेक्ट तो गलती से ही मत लाना दिमाग में, लपेटो इसे, हो गए बेटा फील लीजिए। अगला ये टॉपिक थर्ड नंबर खत्म हो जाता है, फोर्थ स्टार्ट होता है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी भी होती होगी, तो लाइट जो होती है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, क्या होती है? यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, पर उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है। वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है किसकी? लाइट की। अरे व्हेन द लाइट रे, व्हेन द, इसे मिटा दे बेटा, चौथा टॉपिक क्या डालें, फोर्थ टॉपिक नंबर, फोर्थ है, तीसरा टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है। टॉपिक नंबर क्या है? फोर्थ, फिर लीजिए टॉपिक फोर्थ है बेटा। व्हेन द रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, हाय रे भैया। बट उसकी जो वेवलेंथ होती है एज वेल एज द, बोल भाई, एज वेल एज द वेलोसिटी चेंज, ये ड्यूलेजर्स हटाई ने अभी भी एनर्जी बोल रहा है, ठीक है। ये बेटा वेवलेंथ और जो आपकी क्या है वेलोसिटी चेंज होती है, क्या होती है? चेंज, पर फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, यानी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लाइट चाहे एक मीडियम से कोई भी मीडियम में चली जाए फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। क्या चेंज होती है? वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, रुको जरा, ये तो पहला है, क्या है? पहला है बड़ा फील लीजिए, फर्स्ट हो गया इसके अंदर। बड़ा सेकंड ये कि क्वांटिटी विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग यानी जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो कौन कौन सी क्वांटिटी सेम रहती है, चेंज नहीं होती। भाई जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आएगी तो कुछ क्वांटिटी फिक्स होती होंगी, चेंज नहीं होती होंगी, वो क्वांटिटी कौन कौन सी है? दो मार्क्स में आता है, ठीक है। पहली बड़ा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चेंज ही नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी ऑफ, नीचे लिख लेना, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द, किस पे? सोर्स पे। किस पे डिपेंड करती है? सोर्स पे। सोर्स तो ये रहा, सोर्स थोड़ा बदल रहा है, अरे हाँ है ना भाई, सोर्स तो वही है, तो सोर्स पे डिपेंड करती है, किस पे करेगी? फिर सेकंड फेज एंगल, क्या बोला ये? फेज एंगल, वो भी फिक्स रहता है। बहरहाल वेव ऑप्टिक्स में देखोगे और 11th क्लास में वेव में देख भी चुके हो फेज एंगल, ठीक है। एक और दो फैक्टर वेव ऑप्टिक्स में दिखाएंगे भी, ये दो ऐसे फैक्टर हैं कि रिफ्रैक्शन होता रहे ये चेंज नहीं होंगे। पर रुको जरा, एक और दो मार्क्स में क्वेश्चन आता है, वो क्या है कि मान लिया ये दो फैक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, पर कुछ चेंज भी तो होते होंगे, चेंज भी तो होते होंगे, वो चेंज कौन कौन से होते हैं? यानी यहां से तीसरा पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो तीसरा वाला है। कहता है क्वांटिटी विच चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, विच चेंज ड्यूरिंग द, पहला वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी चेंज होती है जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम आएगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, अरे हाँ भाई। दूसरा वेवलेंथ चेंज होती है, एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है, अरे वेवलेंथ चेंज होती है एम्पलीट्यूड तो चेंज हुआ, और इंटेंसिटी भी चेंज होती है, इंटेंसिटी भी, इंटेंसिटी मतलब चमक, ब्राइटनेस। ये चमक क्यों कम होती है? क्योंकि कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं,
और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाते हैं। जब लाइट गिरती है आपकी एक सरफेस से, मान लो ये सरफेस लाइट आएगी गिरेगी तो पूरी थोड़े चली जाएगी अंदर, कुछ रिफ्लेक्ट भी होती है, पार्सली रिफ्रैक्ट होती है, ठीक है। तो उसकी वजह से इंटेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है, पूरी लाइट जो आ रही है पूरी चमक अंदर नहीं जा पाती है। पहले तो इन दो पॉइंट को लिखो, फिर तीसरा वाला पॉइंट लिखवाएंगे, द क्वांटिटी विच चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, लपेटो से। और यहां पे क्या है, द क्वांटिटी विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, दो मार्क्स में वो लपेटो से। उपाय है बेटा, ये हो गया दो पॉइंट, यानी द क्वांटिटी विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन। पहली कौन सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट चेंज होती, फेज एंगल भी चेंज नहीं होता। मान लिया जी ये दो मार्क्स में एग्जाम में आते हैं। अच्छा एक और चीज आती है, दो मार्क्स में लिखो बेटा, क्वांटिटी विच चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन, कौन कौन सी चेंज होती है उसकी देखते हैं। लिखो बेटा, फोर्थ टॉपिक चल रहा है, याद रखिएगा टॉपिक फोर्थ ही अभी भी, उसके अंदर थर्ड पॉइंट है। क्या है थर्ड पॉइंट, क्या है, द क्वांटिटी विच चेंज ड्यूरिंग द रिफ्रैक्शन। आइए, यानी कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटी है रिफ्रैक्शन के वक्त चेंज होती है, क्या होती है चेंज, देखते हैं भाई। फिर लीजिए पहला, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ, अब बेटा लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, पहली चीज। दूसरा वेवलेंथ, क्या है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तीसरा एम्पलीट्यूड, क्या होगा एम्पलीट्यूड, बेटा एम्पलीट्यूड तो जानते हैं सारे बच्चे, यही एम्पलीट्यूड होता है। वेवलेंथ क्या होती है, ये वेवलेंथ होती है। अरे आया भैया समझ आ रहा है, जब ये खींचेगी तो लंबी होगी, लंबी होगी तो ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। अरे आए ना भैया, तो वेवलेंथ। चौथा होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अच्छा इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंटरेस्टिंग है, ये यहां पे इंटेंसिटी मतलब चमक कम हो जाती है, क्या होती है इसका मतलब क्या है, ये होता क्यों है, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो कुछ पार्ट तो ऊपर चला जाता है, कुछ पार्ट अंदर आता है, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। पार्शली रिफ्लेक्शन होता है, पार्शली रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। फील है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इफेक्ट करती है, दिस इज ड्यू टू द, बोल क्या, ड्यू टू द पार्शली रिफ्रैक्शन एंड पार्शली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसकी वजह से सॉरी कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाएगा। आए ना भैया, थोड़ी लाइट बाहर निकल जाती है, थोड़ी लाइट अंदर चली जाती है, तो इंटेंसिटी कम हो जाती है। लपेटो चारों पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बड़े चौथा टॉपिक था, क्या था, यानी रिफ्रैक्शन के वक्त फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, चेंज नहीं होती, वेलोसिटी वेवलेंथ ये सब चेंज होती है, इंटेंसिटी चेंज होती है, एम्पलीट्यूड भी चेंज होता है। मान लिया जी बड़ा, पांचवा टॉपिक, टॉपिक नंबर पांचवा, बड़े रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, बड़ा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी निकालना है और वेवलेंथ की टर्म्स में निकालना है, फॉर्मूले क्या होते हैं आओ देखते हैं। इसे करने से पहले एक एट्थ क्लास का जिक्र करते हैं। आओ बेटा, छोटे बच्चे एट्थ क्लास में एक सिस्टम होता था, सुनार सिस्टम पढ़ा होगा, एट्थ में होगा, चलो नाइन्थ में था, कोई नहीं पूरी बात तो सुन ले भी, अगर वो नाइन्थ में था तो एट्थ में साउंड जरूर होता होगा, अब हाँ बोलना पड़ेगा ना, तो एट्थ क्लास में साउंड होता था, क्या होता था, और वहां पढ़ते थे आप वेलोसिटी इज इक्वल टू में फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, बुक की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, वेलोसिटी इज इक्वल टू में फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्वेल्थ क्लास में, ठीक है। आइए अब देखिए ध्यान से, ये रिलेशन होता है वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ में, याद रखिएगा, ठीक है। अब फील लीजिए बेटा, मान लीजिए लाइट है, मस्त आ रही है गुजी गुजी करके, नॉर्मल है, जानी ऐसे चाहती है जाएगी ऐसे, ये और ये डेंसर है, ये तो आ चुका होगा, ये तो बेसिक बातें हैं, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड रे, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अब तुम्हें पता लग गया। मान लिया जी बड़े, पहला मीडियम है, कौन सा मीडियम है, दूसरा, बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन फर्स्ट मीडियम, इन फर्स्ट मीडियम, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर पहले मीडियम में फॉर्म लगाए, हमने पढ़ा था म्यूजिकल टू सी बाई वी, म्यूजिकल टू यही होता है भाई, है ना भैया। अगर बात करें फर्स्ट के लिए तो फर्स्ट आएगा इजिकल टू सी बाई वी वन, यहाँ तो मीडियम चेंज हो रहा है, वैक्यूम थोड़ा यहाँ पे, अरे है ना भैया। अच्छा मान लिया, अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकेंड मीडियम,
तो म्यू टू आएगा है ना भैया, इज इक्वल टू सी, ये तो वैक्यूम है, डिवाइड बाय वी टू। अरे अभी मीडियम चेंज हो रहा है बेटा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सर, मेरे को इतना देख के बताओ, इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे, रिफ्रेक्टेड रे कौन से मीडियम में, फर्स्ट में सेकंड में, रिफ्रेक्टेड रे सेकंड मीडियम में है ना भाई, रिफ्रेक्टेड रे सेकंड मीडियम में, इंसिडेंट रे पहले मीडियम में, दिख रही है, तो सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करो, देखो क्या मिलेगा, इक्वेशन नंबर सेकंड देन डिवाइड बाय फर्स्ट, बोल म्यू टू आएगा डिवाइड बाय म्यू वन आएगा, म्यू टू बोल कितना है सी बाय वी टू, जब यहाँ वैल्यू यहाँ रखोगे उल्टी घुमाओ, बोल बेटा कितनी आएगी, वी वन बाय सी, सी से सी यानी वी वन बाय, क्या है कुछ निकल गया है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, ये टू है और वो टू है, आपस में इन्वर्सली डायरेक्टली, इन्वर्सली क्या है, इन्वर्सली यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी पे इन्वर्सली डिपेंड करता है, कैसे करते हैं, अरे जितना ज्यादा पार्टिकल पास पास होंगे उसमें जाना उतना ही मुश्किल होगा ना, अरे आए ना भैया, जितना ये ज्यादा होगा वेलोसिटी उतनी स्लो होगी, बेसिक बात है, मान लीजिए ये भी लिख लो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या है मी टू आए, मी वन इज इक्वल टू वी वन बाय, यही आए, हाँ तो बोलो यार, मान लिया जी, अच्छी बात है, इसका एक बार क्या करो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं, या लीजिए यहाँ पे और लिख लो, और बेटा म्यू टू बाय म्यू वन इज इक्वल टू मे वी वन बाय वी टू, अभी देखिएगा आगे करेंगे ऐसे, रुकेंगे नहीं, रिलेशन आ गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी के बीच में, ये तो पता लग गया इन्वर्सली होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, जितने ज्यादा पार्टिकल पास पास उतना ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, जितना ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ज्यादा उतनी वेलोसिटी उसमें कम, क्योंकि पार्टिकल को आगे बढ़ने से मतलब लाइट को आगे बढ़ने से पार्टिकल रोकेंगे, मान लिया जी, बड़ा फील लीजिए इसको, इस क्वांटिटी को लिखने का एक और तरीका भी होता है, फील लो म्यू ये ऊपर टू है तो टू यहाँ आएगा, ये वन है तो वन यहाँ आएगा, इज इक्वल टू में वी वन बाय वी टू, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं, इसे पढ़ते हैं कैसे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, रुको रुको जरा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठता है कि नीचे दो आया ऊपर वन आया, क्यों बड़ा, जिस मीडियम में रिफ्रेक्टेड रे होती है उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, नीचे वही आएगा जिस मीडियम में क्या है रिफ्रेक्टेड रे, ये याद रखिएगा, रिफ्रेक्टेड रे सेकंड मीडियम में तो नीचे क्या आएगा दो, अगर फर्स्ट में होती तो क्या आता वन, थ्री में होती तो थ्री आता, अभी हम करा देंगे, पहली बात तो ये सब पढ़ते कैसे वो इंपॉर्टेंट है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, लिखते कैसे, जो नीचे होगा पहले वो ऊपर आएगा, फिर जो ऊपर होगा वो आएगा नीचे, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट है ना भाई, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, तो रिस्पेक्ट वाला तो नीचे ही आएगा, और नीचे कौन आएगा जिस मीडियम में रिफ्रेक्टेड होगी, जिस मीडियम में वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिस मीडियम में रिफ्रेक्टेड होगी उस मीडियम में को नीचे लेंगे, उस मीडियम को नीचे लेंगे, लपेटो अभी से धीरे धीरे और पढ़ेंगे, आगे देखिए भाई बड़ा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम मान लिया, पर इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ निकालते हैं, इन टर्म्स ऑफ यानी रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी तो आ गए, वेवलेंथ के टर्म्स में निकालते क्या होगा, मिटो दे से बेटा, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ बेटा मिटो दे से, बाद में मिटेंगे, फिर लीजिए बेटा, अब है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, फिर लीजिए बेटा, वीनो और तुम भी शायद नो कि म्यू टू डिवाइड बाय म्यू वन इज इक्वल टू वी वन डिवाइड बाय वी टू, ये वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम, बेटा यहाँ लिखोगे एट्थ क्लास या फिर तुम्हारे हिसाब से नाइन्थ क्लास, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ भी होता है ना भाई, तो अगर फर्स्ट मीडियम के निकालें तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ चेंज होगी है भैया, सेकंड मीडियम में आओ तो भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी और वेवलेंथ चेंज होगी, तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन इज इक्वल टू में ये वैल्यू कितनी है, फ्रीक्वेंसी लैम्डा वन डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी लैम्डा टू, फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी टू बाई वन इज इक्वल टू में लैम्डा वन डिवाइड बाई लैम्डा टू, और ये जो वैल्यू होती है इसे कैसे लिख सकते हो, म्यू टू और वन है भैया, तो ये बेसिक बात होगी, रुको जरा, इतना तो बच्चा भी जानता है, देखो दो एरा है, दो एरा, यहाँ से ये भी पता लग रहा है कि वेवलेंथ पे भी इन्वर्सली है, वेवलेंथ पे भी, क्योंकि सेकंड सेकंड वाला तो नीचे है और वन वन वाला सामने थोड़ा ऊपर नीचे, तो वेवलेंथ पे भी इन्वर्सली, ये तो हमने पहले कर लिया था कुछ ही प्रिंसिपल से, कुछ ही लॉ से, कुछ ही फॉर्मूले से, अरे आए ना भैया, यानी कुछ ही फॉर्मूले से हमने पहले ही कर चुके हैं, तो लपेटो इसे, लपेटो इसे, लपेटो इसे, लपेटो इसे, बड़ा इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, इन टर्म्स ऑफ, बढ़ते हैं आगे, एक और नोट डालते हैं, वेवलेंथ की टर्म्स में तो निकाल दिया बड़ा, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट है बड़ा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, फिर ले रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकाला जाता है जिस मीडियम में रिफ्रेक्टेड रे होती है,
तो यहां पे लिखोगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकाला जाता है जिस मीडियम में रिफ्रेक्टेड रे होती है। अरे हाँ ना बोलो, रिफ्रेक्टेड रे होती है, फील लियो। मान लीजिए पहला डायग्राम, सेकंड डायग्राम, थर्ड डायग्राम, यहां से बोलो बेटा कुछ तो बोलो। ये ग्लास ले लो, क्या ले लो, ये एयर ले लो, कोई दिक्कत। इस मीडियम से इस मीडियम में आ रही है तो लाइट यहां से आती है मस्त करके, ठीक है। आपको होता है डेंसर से एयर में आ रही है तो यहां करेगा नॉर्मल, करेगा नॉर्मल, करेगा जानी ऐसे चाहती है जाएगी ऐसे दूर, ठीक है। ये इंसिडेंट रे और ये क्या है, रिफ्रेक्टेड रे। ये मीडियम फर्स्ट, ये मीडियम टू, ठीक है। मीडियम फर्स्ट और टू का हमारा गोली, बताओ एयर है और ग्लास है। भाई रिफ्रेक्टेड रे जो है एयर में है ग्लास में, तो लिखोगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, नीचे एयर आएगा, क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा, ग्लास। ये इन्वर्टेड लिखोगे कैसे, एयर बाय ग्लास, वेरी इंपॉर्टेंट लिखने का तरीका। अगर मान लो कुछ ऐसा हो तो यहां पे बल्ब, ये एयर है और ये वाटर है, ये लाइट ऐसे आ रही है, यहां पड़ती है, जाना ऐसे चाहती है, बताओ एयर से वाटर में, यानी रेयर टू डेंसर में, तो टूवर्ड्स आएगी, तो जाना ऐसे चाहती है, नॉर्मल ही है तो जाएगी तो इधर। अरे भैया नॉर्मल की तरफ जाएगी ना, नॉर्मल की तरफ, बताओ मेरा पहला मीडियम जहां से निकली वो मेरे लिए पहला है, दूसरा ये, तो ये तो रिफ्लेक्टेड रहे ना, तो रिफ्लेक्टेड रहे किसमें, वाटर में एयर में, वाटर में, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जिसमें होगी वाटर नीचे आएगा ऊपर एयर आएगा, हाँ ना भैया, तो क्या आएगा डब्ल्यू बाई एयर, तुम्हें नहीं आया आगे। तो जिस मीडियम में रिफ्रेक्टेड रे होती है उस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकाला जाता है, समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं, लपेटो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बड़ा उपाय के पांच टॉपिक हो गए, कितने हो गए, पांच। बड़ा इस टॉपिक के बाद जो टॉपिक आता है लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन, क्या आता है, टेंथ क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन होती क्या है, बड़ा टॉपिक कौन सा है, सिक्स्थ कौन सा है, बड़ा लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन। बड़ा फिलहाल लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन होता क्या है, ऊपर देख, लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन में दो लॉ होती है, फर्स्ट लॉ, एक क्या होती है, सेकंड लॉ, एक होती है फर्स्ट लॉ, एक होती है दूसरी लॉ, एक होती है सेकंड लॉ, एक होती है पहली लॉ, तो ये दोनों लॉ क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कहती है, ये सरफेस है जो कि दो मीडियम को अलग अलग कर रही है, यहां पे आके लाइट पड़ रही है तो जिस पॉइंट पे पड़ रही है उसे पॉइंट बोलेंगे, ये आने वाली लाइट को बोलते क्या, इंसिडेंट रे, उसमें नॉर्मल क्रिएट करते हो, उस पॉइंट पे क्रिएट करते हो, उस पॉइंट पे ही नॉर्मल करते हो, यानी इंसिडेंट रे, और इस पॉइंट से ही आगे क्या बढ़ती है, रिफ्रेक्टेड रे, है ना भाई। तो बेटा इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्रेक्टेड रे, ऑल इन द सेम प्लेन, ऑल इन द सेम प्लेन, ये बेसिक लॉ थी, फर्स्ट लॉ जो कि आपको 10th क्लास में पढ़ाई गई थी, है ना, सब एक ही प्लेन में लाई करती है, ठीक है। पहली बात तो ये, क्या लिखोगे भाई, बेटा ये कौन सी रे, इंसिडेंट रे, ये क्या है, नॉर्मल, एंड रिफ्रेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, बेसिक। बड़ा सेकेंड लॉ बहुत 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 इजी है, क्या होती है, द साइन आई डिवाइड बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एंड इस कॉन्स्टेंट को रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, समझ जाओगे मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब फिर लीजिए, लाइट यहां से आ रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, फर्स्ट मीडियम में क्या है, सेकेंड मीडियम, फर्स्ट से सेकंड में आ रही है, अरे हाँ ना बोलो यार, ये रेयर और ये क्या है, डेंसर है, तब की बात कर रहे हैं, इसे लिखना तो पड़ेगा इंग्लिश में, ऑक्सफोर्ड वाली, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उस कॉन्स्टेंट को हम क्या लेंगे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि रिफ्रेक्टेड रे कौन से मीडियम है, सेकंड मीडियम। बड़ा क्या बोलती है, इस लॉ का नाम भी होता है स्नेल्स लॉ, क्या होता है, जो कि छोटी क्लास में 10th क्लास में सुना होगा शायद, हाँ है ना भैया, क्या कहती है लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, अरे भैया द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन, बेटा देखो रिफ्रेक्शन, बेटा फील लो, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, इस लाइन को टू द बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टू द, तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन का रेशियो, तो लिखा द रेशियो ऑफ
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉन्स्टेंट, इज कॉन्स्टेंट है ना, फॉर टू गिवन मीडियम, फॉर टू गिवन मीडियम, एंड दिस कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये हो गया आपकी सेकेंड लॉ, बेसिक बुनियादी चीजें। ये टेंथ क्लास में पढ़ी थी, किसे पढ़ी थी, ये भी टेंथ में, ये भी टेंथ में, यानी म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, पढ़ी होगी यार, हाँ है ना भाई, साइन आर पढ़ी होगी यार, लपेटो इसे, हलवा चीज। ब्रेक के फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। बड़ा पहली लॉ कहती है इंसिडेंट नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल इन द सेम प्लेन। सेकंड क्या कहती है, द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बेसिक बुनियादी चीज मान ली, मिटा दे इसे, ये होगी लॉ। बड़े सिक्स पॉइंट के अंदर लॉ करा दिए, सिक्स टॉपिक के अंदर, अब काम करते हैं सेवेंथ टॉपिक, क्या पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर सेवेंथ, सेवेंथ टॉपिक। बड़ा फील लो, टॉपिक नंबर सेवेंथ का नाम क्या है, रिफ्रैक्शन। बड़ा रिफ्रैक्ट ऊपर एक रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये नहीं एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लिए, उसमें लाइट को डाल रहे हैं, तो देखते हैं किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होने वाला है, हाँ है ना भैया। तो बड़े पहले तो एक ग्लास स्लैब बना लूं, कोई दिक्कत किसी को, वही सेम डायग्राम, यहाँ एक गुजी गुजी करके गुजा गुजा बना लो, और गुजी गुजी से लाइट आ रही है, क्या आ रही है लाइट। बड़ा जिस पॉइंट पे लाइट गिरेगी मीडियम चेंज हो रहा है, पहले ध्यान से देखो, एयर से ग्लास, फिर ग्लास से एयर, यानी रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर टू रेयर आ रहे, यानी यहां पे टुवर्ड्स द नॉर्मल होने वाला है, यहां अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये तो आता होगा। अब फिर लो यहां गिरी तो यहां क्या क्रिएट कर दिया, 90 डिग्री, तो लाइट जाना तो ऐसे चाहती है, कैसे चाहती है ऐसे, पर जाएगी कैसे, कुछ ऐसे, जिस पॉइंट पे गिरेगी यहां पे फिर से मीडियम चेंज, फिर से 90 डिग्री क्रिएट कर दिया। अब बताओ ये डेंसर से रेयर आ रही है, तो लाइट जाना तो ऐसे चाहती है, पर जाएगी यहां अभी, अरे अभी। बड़े ऐसे बोलेंगे इमरजेंट रे, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमरजेंट। अभी इसे मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पे I1 लिख रहा हूं, यहां पे क्या लिख रहा हूं R1, ये क्या लिख रहा हूं I2, ये क्या लिख रहा हूं R2, कोई दिक्कत किसी को, I1 R1 I2 R2, हाँ तो बोल दो यार। बड़ा ये क्या है, एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, इमरजेंट रे के बीच में होती है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, डिस्पर्जन नहीं डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल, अरे हाँ ना भाई, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है भैया, अरे हाँ तो बोलो यार। ये बुनियादी चीज होगी, पर इसे सॉल्व करना है। मान लो इस वाली लाइन का कुछ नाम देते हैं पी क्यू, क्या देते हैं पी क्यू, इधर वाली लाइन का कुछ नाम देते हैं ये सीधी वाली सरफेस एस आर, क्या देते हैं एस आर। बड़ा रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ का नाम क्या बताओ मेरे को, स्नेल्स लॉ, बहुत बढ़िया। म्यू इज इक्वल टू साइन है भाई साइन आर, एक बार मैं पी वाली सर्फेस पी क्यू वाली सर्फेस पे फेस पे लगाऊंगा, एक बार मैं एस आर वाले फेस पे लगाऊंगा, वही लो। तो बड़ा कुछ मत करो, आराम से देखो, एक बार रिफ्रैक्शन हुआ है एयर से ग्लास में, एक बार हुआ है ग्लास से एयर में, तो एक बार इधर लगाएंगे एक बार इधर लगाएंगे, कौन सी लॉ, स्नेल्स लॉ टेंथ क्लास की, अरे हाँ ना बोलो यार, बिल्कुल बेसिक है, साइन आई बाय साइन आर, तू कहाँ टकरा ऊपर आ जा। बड़ा फील लीजिए ऊपर देखिए, बड़ा यूजिंग द स्नेल्स लॉ, ठीक है, एट फेस, बताओ पहले कौन सा फेस ले रहे, पी क्यू, क्या ले रहे पी क्यू, इस पर लगाते हो तो देखते क्या होता है, बोलो भाई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का निकाला जाता है जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे होती है, तो यह इंसिडेंट रे, यह रिफ्रैक्टेड रे, पहला केस तो यही है ना भाई। तो रिफ्रैक्टेड रे कौन से मीडियम में, ग्लास में एयर में, ग्लास में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जहां से आ रही है जहां पर आ रही है, इज इक्वल टू मे साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। पहले वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंट I1 है, तो I1 लिख दिया, और नीचे क्या है R1, इतना आया नहीं आया, कोई दिक्कत है बता दो। बड़ा ये देखें, फिर मैंने क्या करा, इस वाले फेस पे लगाई वही लो, तो यूजिंग स्नेल्स लॉ, ऊपर देखो चढ़ो ऊपर देख, एट फेस एस आर, क्या लगा दी एस आर। बताओ जब यहां पे देख रहे हैं सेकंड वाले केस में ग्लास से एयर में, तो केस तो ये है ना,
इस वाले केस में रिफ्रेक्टेड रे यहां पे कौन से मीडियम में, एयर में, ग्लास में, एयर में, तो यानी इस मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालो, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये इंपॉर्टेंट आ गया होगा लिखना, इज इक्वल टू साइन डब्बा डिवाइड बाय साइन दूसरा डब्बा, है ना भैया, बताओ यहां बात कर रहे हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एयर I2, ये क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो I2 डिवाइड बाय R2, ये हो गया, आया नहीं आया बेटा, इसे बोला इक्वेशन फर्स्ट, इसे बोला इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड से, तो देखो क्या मिलेगा, फील ले रहा हूं, बताओ लेफ्ट हैंड साइड एरिया, लेफ्ट हैंड साइड एरिया बोल क्या आएगा बेटा, म्यू आएगा, क्या है ग्लास ऊपर एयर है इनटू में, यहां पे एयर और ग्लास है, इज इक्वल टू क्या आएगा बोल, साइन I1 डिवाइड बाय साइन R1, यहां पे क्या आएगा साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2, इसको सॉल्व करेंगे, लिखना आता है, पहले इतना लपेटो फिर आगे बढ़ते, अच्छा थोड़ा ऊपर सॉल्व भी कर लो, यहां लिखो बोल बेटा, इसको ओपन कर कैसे लिखेगा, साइन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू वही जो कॉपी लिखा हुआ है, हाँ ना भाई कॉपी, ये कैंसिल सब कुछ, वन आएगा, क्या आएगा, यानी इस पूरी क्वांटिटी यानी साइन I1 टू द साइन R1 इनटू में क्या है साइन I2 टू द साइन R2, इतना आगे आएगा, अभी सॉल्व नहीं हुआ बेटा, इसके आगे क्या करोगे पहले इतना बेटा फिर बताते बेटा, याद है सेवन टॉपिक का फर्स्ट, सेवन टॉपिक का फर्स्ट दोबारा भी करेंगे, पहले ले उसे हलवा चीज, हो गए बेटा फील है, मिटो गए से इतना आगे आएगा, आगे देखो भैया, ए छोटू ऊपर देख ले बेटा फील लीजिए, यहां पे ध्यान से देखें, बताओ क्या है, वन इज इक्वल टू में साइन I1 डिवाइड बाय साइन R1 इनटू में साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2 है, अब फिर लो दिमाग लगाओ, क्या यहां पे जो स्लैब थी इसमें एक PQ लिखा था यहां पे और एक SR लिखा था, बताओ याली लाइन इसके पैरेलल है या नहीं है, और अंदर क्या है ऐसे कर कुछ ऐसे एंगल बन रहे हैं Z, ध्यान से देखो ऐसे बन रहे हैं, तो मैं लिख रहा हूं PQ इज पैरेलल टू SR, दिख रहा है, यानी एक लाइन एरी एक लाइन एरी, फिर लो यानी एक PQ एरी एक SR एरी, PQ और ये क्या है SR, इसके अंदर जो ऐसे एंगल बनते हैं तुम्हें पता है क्या होने वाला है, अरे यहाँ बोल याला एंगल, याला एंगल, एंगल वन एंगल टू, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू होता है, अरे यहाँ तो बोले यार, तो अगर मैं कह रहा हूँ ऐसे लाइन एरी एक PA QA एस और एक R है, तो चाहे Z वैसे बनाओ चाहे Z खड़ा बना दो ऐसे, तो याला एंगल भी तो इसके इक्वल होगा, अरे आए ना भैया समझो इस चीज को, ठीक है, तो ये मैं कह रहा हूँ ये क्या लिखा R1 क्या लिखा है, ये क्या लिखा है I2 क्या लिखा है I2, यानी एंगल ऑफ R1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ I2 होगा, पता लग गया, तो इसका मतलब ये हुआ इट मींस एंगल ऑफ कौन सा है R1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ I2 है ना भाई, अरे अंदर वाले एंगल इक्वल है यार, तो इसकी जगह ये पुट कर दो, यहां पे पुट करो भैया, वन आएगा, क्या आएगा वन इज इक्वल टू बोला I1 है, क्या है I1, तो साइन I1 डिवाइड में कितना बोलो बेटा R1, R1 क्या क्या रख दूं, तो साइन I2 रख दिया, बोलो बेटा वहां पे क्या है साइन I2 डिवाइड बाय साइन R2, कुछ कैंसिल हो रहा है पूरा कैंसिल, बताओ क्या है, इस वाला को इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा साइन R2 इज इक्वल टू क्या है साइन I1, साइन से साइन R2 इज इक्वल टू में, इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, अगर अंदर वाले एंगल इक्वल है तो बाहर वाले एंगल भी इक्वल होंगे, नहीं आया, तो यानी ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के इक्वल होता है, यानी R2 जो है यहां पे किसके इक्वल है I1 के, और एंगल इक्वल है तो लाइन भी पैरेलल होने वाली है, लाइन भी तो ये दोनों पैरेलल होती है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, अरे आ गया है लपेटो भैया इसे बड़ा फील लीजिए, ये टॉपिक तो आ गया होगा, यानी रिफ्रेक्शन थ्रू आ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब जो कि बचकानी चीज थी, 10th में भी थी 12th में भी आ गई, आ गया होगा बड़ा, ये टॉपिक नंबर 7 था, अब करेंगे टॉपिक नंबर 8, क्या करेंगे 8, जो कि टॉपिक क्या कहते हैं रिफ्रेक्शन थ्रू आ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, नेक्स्ट टॉपिक क्या है रिफ्रेक्शन थ्रू आ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, देखते हैं क्या होता है बड़ा, टॉपिक 8 है, क्या है रिफ्रेक्शन
थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम, यानी मीडियम एक नहीं होगा, अलग अलग तरीके के मीडियम होंगे। बहरहाल मैंने शायद लास्ट क्लास में तुम्हें इसमें थोड़ा बताया भी था, फिर लीजिए बेटा। मान लीजिए यहां पे क्या है, अच्छा सुनो यहां पे लिख लेना, इफ द फर्स्ट मीडियम या इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट मीडियम आर सेम, आर सेम, तो क्या होगा, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे आर पैरेलल। बेटा मैंने कहा है पहला मीडियम और लास्ट मीडियम क्या है, सेम, क्या है, अगर सेम हो तो क्या होने वाला, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखना बेटा। बेटा कॉम्बिनेशन क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन मेरा है तुम्हारा मीडियम का है और रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो भैया एक मीडियम ये लिया, एक मीडियम ये लिया, एक मीडियम ये लिया और एक मीडियम, बताओ यहां पर हवा है, यहां पर क्या है ग्लास है, यहां पे क्या है वाटर है और यहां वापिस से क्या है। बेटा पहले एयर से ग्लास में, फिर ग्लास से वाटर में, फिर वाटर से एयर में, तीन मीडियम हो गए, पढ़ाया था यार। बताओ भाई यहां बल्ब लगाए, लाइट आएगी गिरेगी, यहां पे क्या क्रिएट करोगे, नॉर्मल कर दिया। बेटा जानी ऐसे चाहती है लाइट ये, ठीक है, पर जाएगी ऐसे इसकी तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि क्या है रेयर से डेंसर में आ रही है, फिर यहां पे गिरेगी, वापिस से क्या क्रिएट करोगे, क्या ग्रेड करोगे, नॉर्मल, ठीक है भैया ये नॉर्मल हो गया। बताओ ये लाइट जो है जानी कैसे जाती है ऐसे ही, हाँ बोलो, बहुत छोटा डायग्राम है, बहुत छोटा डायग्राम है, अब ठीक है। बड़े क्या है, ए गुजी गुजी करके बल्ब है, ये एयर है, ग्लास है, वाटर है, ये एयर है, एयर से ग्लास में, ग्लास से वाटर में, वाटर से एयर में, ऐसा लग रहा है गुजी गुजी आ रही है ना, अरे गुजी गुजी नहीं आते तुम बड़वा बच्चे। बड़े लाइट आई, क्या आई, छोटे ऊपर देख, बड़े यहाँ पे क्या क्रिएट करोगे, 90 डिग्री। बेटा ये मत पूछना ये कैसे हो रहा है, खड़ा ठंडा खड़ा कर दिया है अभी, फिर लाइट जाना ऐसे चाहती है, लाइट जाना ऐसे पर चाह नहीं पाएगी उधर जाना, ठीक है इधर आ जाएगी, ठीक है फिर ले अट्रैक्शन में इधर मुड़ जाएगी, जब इधर गिरेगी तो लाइट पर नॉर्मल खड़ा करेंगे। अब ये लाइट जाना ऐसे चाहती है पर जाएगी थोड़ी दूर, कहाँ जाएगी, छकार। बेटा रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर टू रेयर, फिर रेयर डेंसर टू, यानी एक बार टूवर्ड्स और दो बार अभी। बताओ लाइट जो है जाना ऐसे चाहती है पर जाएगी ऐसे, थोड़ा दूर फेंक दो कुछ ऐसे, हाँ है ना भैया। अब जब यहां गिरी है फिर क्या आई है, वाटर से एयर में, तो डेंसर से एयर में, तो यहां पे फिर से खींच दो, जाना ऐसे चाहती है पर जाएगी कहां पे, दूर ऐसे जाएगी, हाँ तो बोलो यार, तो दो बार अवे होगी एक बार टूवर्ड्स होगी। अरे नहीं आया तुम्हें बेटा, बोल यहां कुछ एंगल होगा क्या, आई वन क्या लिखा है, यहां क्या होगा, अरे रुक जाओ भैया आर वन तो लिख ले बेटा, यहां क्या होगा, ये जितना होगा उतना ही होगा, ठीक है कितना होगा, आर वन, ये आ गया क्या, हाँ बेटा होगा आई टू पर विच इज इक्वल टू आर वन, फिर ले यहाँ पे कितना होगा, ये रिफ्लेक्टेड है ये नॉर्मल, बताओ बेटा कितना होगा, ये आर टू है, ये आर वन है तो ये क्या होगा, आर टू, क्या होगा ये आर टू है तो ये क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, वही होगा आई वन, अरे हाँ ना भैया, अरे अंदर के एंगल इक्वल है तो बाहर के भी तो इक्वल ही होने वाले, पढ़ाया तो अभी कराया, तो ये एंगल वही एंगल इक्वल होगा, ये आपस में भी इक्वल होंगे, बेसिक बात है। एक बार यहां लगाओगे इसमें, एक बार यहां लगाओगे, एक बार यहां लगाओगे, यानी पहला क्या आएगा, रे जो रे है, क्या है रे, गोइंग फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, मीडियम टू, यानी ये पहला मीडियम हो गया, दूसरा मीडियम हो गया, फिर दूसरे से किसमें आया, तीसरे में, फिर तीसरे से किसमें आया, पहले में, चौथा नहीं है पहले ही है, सेम मीडियम मिल गया, यानी वन से टू, टू से थ्री और थ्री से वन। तो मैंने कहा रे गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू सेकंड मीडियम, तो जब वन से सेकंड में आती है तब लगाते स्नेल्स को, क्या होगी भाई, फिर लो बताओ रिफ्रेक्टेड रे कौन से मीडियम में, ग्लास में, यानी सेकंड मीडियम में, तो सेकंड टू द फर्स्ट इज इक्वल टू साइन गुज्जा, साइन दूसरा गुज्जा, फिर लो बताओ यहां पर कितना आएगा, आई वन, नीचे कितना आएगा, तो यहां पर आई वन डिवाइड बाई आर वन, फिर लगाओ, बोलो बेटा रे जो है गोइंग फ्रॉम कहां से कहां, गोइंग फ्रॉम मीडियम टू टू मीडियम थ्री, अरे भाई
बताओ रिफ्रेक्टेड रे कौन से में होगी, थ्री वाले में? अरे केस अब ये वाला है, बीच वाला, ठीक है? बोलो बेटा क्या आएगा? म्यू थ्री टू वन। अरे जिसमें आई जहां से आई, खत्म कहानी यार। बोलो बेटा कितना आएगा? साइन डब्बा, साइन दूसरा डब्बा। बोलो बेटा यहां पे क्या आएगा? इंसिडेंट एंगल आर वन है, आर वन। रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है? आर टू, तो आर टू आ गया। आएगा बेटा फिर ले लो, रे गोइंग फ्रॉम बोल कहां से का? मीडियम थ्री टू मीडियम वन, वन में आ रही है, यानी रिफ्लेक्टेड रे वही होगी। कहां से आ रही है? यहां से। तो वन में आई, थ्री से आई, साइन डब्बा डिवाइड बाय साइन दूसरा डब्बा। बल बेटा यहां पे क्या है? ये रहा तीसरा वाला केस, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये रहा, एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन ये रहा। इंसिडेंट कितना है? आर टू। ये कितना है? आई वन। आया नहीं आया बेटा? इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने के बाद में यहां पे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का यूज करके दिखाऊंगा तुम्हें। पहले इसे लपेटो बेटा, बेसिक बुनियादी बातें हो रही हैं अभी, है ना भाई? मिटो दे ऐसे। बता भाई, इक्वेशन वन मल्टीप्लाई विथ सेकंड एंड मल्टीप्लाई विथ थर्ड। बेटा फिर ये क्या लेफ्ट हैंड साइड है? ओए छोटू ऊपर देख, थ्री और टू इंटू, ये क्या लिखा है? वन और थ्री। बताइए इक्वल में बेटा क्या लिखा है? साइन आई वन टू द आर वन। आगे बोल बेटा क्या लिखा है? इसे मिटो दे। बोल बेटा अगला क्या लिखा है? साइन आर वन टू द साइन आर टू। अगला बोल बेटा, साइन आर टू डिवाइड बाय साइन। बेटा कुछ कट रहा है क्या? सब कुछ काट दो, सब कुछ। आर वन से आर वन कैंसिल, आर टू से आर टू कैंसिल, आई वन से आई वन कैंसिल, इज इक्वल टू वन। इतना आसान नहीं है इसका मतलब समझना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। दो वन थ्री टू वन थ्री, इसको यहीं होल्ड करो, इन दोनों को नीचे पटक दो। म्यू थ्री टू इज इक्वल टू वन डिवाइड बाई टू वन, और ये क्या है? वन थ्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इन दोनों को नीचे ही क्यों करा, उसको नीचे क्यों नहीं करा, बताऊंगा, हवा में नहीं कर दिया है। अब दूसरा ये, इन दो को नीचे कर सकते थे, चाहते तो इन दो को नीचे कर सकते, इसको होल्ड कर सकते थे, आपकी मर्जी थी। कौन से को करना है ये मैं बताऊंगा, किसको करना होता है। पहली बात तो ये, अच्छा एक ना लॉ होती है, एक प्रिंसिपल पढ़ोगे तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। क्या पढ़ोगे? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। बेलार ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास। पर अभी बता देता हूँ ये रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहती है। मान लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसका रिवर्स करके उल्टा लिख दो, तो ये टू है, यहां पे आएगा वन, यहां पे आएगा टू। ये कहती है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्लास में ड्राइव भी करवा दूंगा इसकी, तो फिर लेना। अगर ऐसा है तो अगर मैं ये इसका लिखना चाहूं तो उल्टा, ये वन लिखा है, क्या लिखा है? ये थ्री लिखा है। अरे हाँ ना बोलो यार, अरे हाँ तो बोल दो। तो इसका उल्टा क्या होगा? थ्री बाय वन। अगर मैं इसमें प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट लगाऊं, अगर लगाऊं तो ऐसे होगा। बहरहाल कोई जरूरी नहीं इसमें लगानी, इसमें भी लगा सकते हो। अभी क्वेश्चन ये भी है, दो नीचे क्यों आए मैं बताऊंगा, इनमें से किसी में भी आप लगा सकते हो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ, जिसमें आपको मन करे। तो अगर मैं इसमें लगाता हूं तो इसकी जगह ये पुट कर सकता हूं, तो बोलो क्या आएगा? वन डिवाइड बाय म्यू टू वन। जब इसकी जगह ये रखोगे तो ये उल्टा घूम के ऊपर आ जाएगा, कितना आएगा? म्यू थ्री वन, ऐसे आएगा। अब इसको यहां पे लिखते बगल में और ध्यान से सॉल्व करेंगे, फिर लेना। बता इक्वल में क्या चल रहा है? म्यू थ्री टू इज इक्वल टू में क्या है? म्यू है वन थ्री है, तो म्यू थ्री वन डिवाइड बाई क्या है? म्यू वन टू, म्यू वन टू यानी टू वन। अब लो बेटा इसे ओपन करना आता है, इसे भी ओपन करना आता है, ऊपर वाले को ओपन करते हैं। बोलो म्यू थ्री यानी थर्ड मीडियम का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द थर्ड मीडियम, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ थर्ड मीडियम टू द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। बेटा इसे ओपन करोगे तो उल्टा घूमेगा, अरे है ना, पूरा लिख ही लो तुम, डिवाइड में से करोगे। बताओ इसका क्या होगा? रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम, उल्टा घुमाएंगे, लिखना आता होगा तो लिखो बेटा। म्यू थ्री म्यू वन इंटू में म्यू वन डिवाइड बाई म्यू टू, इसे कैंसिल, बचा गया म्यू थ्री डिवाइड बाई म्यू टू। और यहां से देखिए राइट में क्या चल रहा था, म्यू टू थ्री इज इक्वल टू आया क्या? इसे ओपन करके लिखना जरा, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसे लिखते ऐसे, इसे लिखते ऐसे, ठीक है? बड़े बात मैं ये बोल रहा हूं, इसके इक्वल ये आ गया, इसके इक्वल ये, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसको नीचे लेके जाएंगे। बड़ा फील लीजिए, इन दोनों को ध्यान से देखो, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको?
वन 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 और तो नीचे लेके जा सकते हो, बताओ इन दोनों को ले सकते हो नीचे? हाँ, इन दोनों में कॉमन है बिल्कुल, पर इन दोनों को ले सकते हो? नहीं ले सकते, तीन तीन है, पर इन दोनों को ले सकते हो? हाँ, अरे वन वन है ना भैया, यानी उसको कॉमन ले सकते हो जिसमें क्या हो सेम हो, समझ रहे ना? अरे हाँ ना बोलो यार, तो जिनमें सेम हो उसको ले लो, जिसमें सेम नहीं है, अगर ऐसी सिचुएशन आती है आपके सामने मल्टीपल ऑफ रिफ्रैक्शन कर लो, हर एक जगह कॉन्स्टेंट आएगा, क्या आएगा? चाहे यहां हो चाहे अभी ग्लास लेवल हो, देखो उसमें पता क्या हुआ था, एयर था ग्लास था, इनटू में ग्लास और एयर था, मैंने आपको ओपन करके दिखाया, बहरहाल आप डायरेक्ट बंद भी लिख सकते थे, डायरेक्ट हर बार ओपन कौन करेगा, चाहे तीन बार और हो चाहे चार बार और हो। तो बेटा ये टॉपिक हुए आठ, कितने हुए? और नौवां टॉपिक होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्रीकाल, पढ़ा सुना ना पढ़ा सुना तुम्हारी मर्जी, सुना सुना अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैर बच्चों, जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए, रात्रि अच्छी कछुए के साथ जाए, भगवान करे तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा।